All right, everyone. Good evening, people. Everyone, welcome to the lecture. I believe you would be able to see me, hear me. Let me just confirm it. Okay. Allow me a minute. I'm doing it. Everyone, welcome to the class. Welcome to the session. Yes, I can see myself. Great. So, video looks good. Audio, video, everything is perfect. Great, everyone. How are you? People in the class? How are you? It's showing 17th of December instead of 18th. Oh my god. Wait, 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 wait. Thank you so much for reminding me of this. Let me check if I can change it now. Uh, I cannot. All right. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट एक सेकेंड हा और अब तो यार इसको चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है you brought it to my notice is very great, है ना बट उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपने मुझे याद दिलाया दैट इज वेरी गुड कि 18th ऑफ डिसंबर नहीं दिखा रहा है वो 17th दिखा रहा है all right. But yes, हमारा लेक्चर आज ही होने वाला है लाइफ कितने स्टूडेंट्स आ गए सिक्सटीन ऑफ यू ऑल राइट गुड इवनिंग गुड इवनिंग आयुषी हाय अभिनव गुड इवनिंग राधिका अर्चना नॉट लेट ऑन टाइम है ना देन सुमित गुड इवनिंग सिंगला गुड इवनिंग अमृता हेलो, एवरी वन ऑल राइट दोस्त आर ज्वाइनिंग नाउ गुड इवनिंग पीपल कैसा था आपका वीकेंड क्या हम लोग लाइफ के उस स्टेज पे आ गए जहां पे हमें एग्जाम्स इतनी क्लोज लगने लगे कि हमें सैटरडे और मंडे और ट्यूसडे में फर्क ही ना लगे पीपल इन द क्लास हाई नीरज भावेश गुड इवनिंग मुझे एक मिनट दीजिए एक मिनट दीजिए आई नीड टू मेक अ फोन कॉल जस्ट अ मिनट ऑल राइट वेट 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 ओके, ऑल राइट हाँ जितेंद्र नोट्स आर ऑसम थैंक यू सो मच निश्चल गुड इवनिंग भावेश गुड इवनिंग ऑल राइट ट्वेंटी वन पीपल लाइव बुक्स रिसीव्ड प्रेरणा गुड इवनिंग रुजोता रुतु झा गुड इवनिंग क्या बात है आज भी बहुत सारे लोग आई गए फाइनली सुपर ग्रेट यार कल के लेक्चर कल मतलब फ्राइडे के लेक्चर का अपना जो डिस्कशन था उसके डिस्कशन पे आप लोगों ने किसी ने भी थोड़ा सा रिविजन करने की कोशिश की एवरी सही सही जवाब देना कोई भी अच्छा बनने की कोशिश नहीं करेगा जेनुइन जेनुइन रिस्पॉन्सेस चाहिए बॉस हाउ मेनी ऑफ यू कम बैक आर यू कमिंग बैक विद द रिविजन पीपल इन द क्लास जेन्य जवाब प्लीज सूरज रिविजन के साथ आ रहे हो निश्चल नीरज जितेंद्र अर्चना चेतन क्या बात कर रहे हो आप सब लोग रिविजन के साथ आ रहे हो गुड अभिनव रिविजन के साथ आ हो क्या ये बात बताओ काम की सबसे ज्यादा काम की बात यही है बाकी तो सब यस प्रीवियस रीवॉच भी कर लिया प्रेरणा इतना अच्छा तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्या आप एक लेक्चर को दो बार देखो ऑल राइट वन पॉइंट फाइव एक्स सेवन फाइव एक्स ओके बोलता आज आपको डेमो दे के ठीक है लाइव चलिए ऑल राइट तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं एक बार सिर्फ अपनी अपनी एनर्जी का लेवल बता दो आर वी ऑल पीपल इन द क्लास सुपर एनर्जेटिक टू स्टार्ट विद द सेशन यस या नो क्लास में ठंडे लोग ना रहे प्लीज क्लास में से ठंडे लोग पहले ही क्लास को छोड़ के चल, छोड़ के चले जाए और बाद में क्या करें आराम से वीडियो देख ले सिर्फ वही लोग क्लास में प्रेजेंट रहे और जिंदा रहे जिनमें एनर्जीज है तो क्या भाई लोग क्लास में एनर्जीज है आपके पास एवरी वन क्विक 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 चैट बॉक्स तक आपकी एनर्जीज पहुंचा दो ताकि फिर हम लोग क्लास में माहौल बनाना स्टार्ट करें यस yes, तेरा और सुना सूरज तरुण जितेंद्र ये तो पक्का जो कि सर मैंने तीन बार देख लिया ना इतना अच्छा अपनी क्लासेस है ना इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना इतना अच्छा मैं दिखता हूं कि आप एक लेक्चर को तीन बार देखो यस जोश हैज टू बी हाई पीपल इन द क्लास सुपर ठोकते एक बार मेरी बात सुनो चलिए अब अपने अपने फोन्स को साइड में रख दीजिए अपने अपने बाबू का भाई बोल दीजिए इनफैक्ट मेरा तो कहना है तीन चार महीने के लिए ब्रेकअप ही कर लो ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि बिना सामने वाले के रहकर कैसा लग रहा है वापस सिंगल वाली लाइफ कैसी लग रही है और अगर आपको आपका पार्टनर वैसे ही पसंद नहीं है तो फिर नया ढूंढ लेंगे तीन चार महीने बाद आप सभी को मेरी साइड से टेंडर का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा अगर आप चार महीने के लिए सिंगल होने के लिए रेडी हो तो और राइट चलिए बट उसके लिए आपको मैसेज भेजना पड़ेगा कि देखो सर मैंने अपने पार्टनर को मैसेज भेजा है बड़ा सा दट दिस इज द एंड ऑफ दाई रिलेशनशिप ऐसा करके कुछ मैसेज आपको भेजना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो आप सभी को फ्री में टेंडर का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा और राइट चलिए एवरी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था इनकम स्टेटमेंट समझा बहुत बेसिक चीज रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं है ना उसके बाद कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट टैक्स चीजें हटाते तो प्रॉफिट आ जाता है जिसके ऊपर दो लोगों का राइट है प्रेफरेंस वाले इक्विटी वाले और बचा हुआ रिटेन अर्निंग और आ जाइए बेसिक रेशियो बेसिक रेशियो क्या बोल रहे हो बेसिक रेशियोज में हमने डिस्कशन किया था ईपीएस का ईपीएस का फॉर्मुला बहुत सिंपल सर अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय पैट पीई और एमपीएस के बीच का रिलेशनशिप बहुत सिंपल डिविडेंड में हमने देखा सर तीन तीन टाइप की पॉसिबिलिटी डिविडेंड पर शेयर को जहां पर मुझे परसेंटेज टर्म्स में प्रेजेंट करना है तीन तरीके से वो काम हो सकता है जहां पर एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू है ना डिविडेंड रेट कहते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ एम पी एस डिविडेंट कहते हैं और एज अ परसेंटेज ऑफ ईपीएस को पे आउट कहते हैं और डिविडेंस पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो के बीच में एक रिलेशनशिप होता है कि दोनों का सम हमेशा क्या होता है पीपल इन द क्लास हंड्रेड मार्केट कैप या तो आप टोटल मार्केट कैप बोल सकते हो या फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैप होल्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ नंबर ऑफ शेयर के लिए राइट right? तो उसको रिटर्न ऑन इक्विटी सवाल का जवाब दे देना प्लीज रिटर्न ऑन इक्विटी में रिटर्न ऑन इक्विटी इज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट और बेस्ड ऑन बुक्स बोलो 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 ज बेस्ड ऑन मार्केट और बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टूडेंट ने जवाब दिया सिर्फ उसी को रिलेशनशिप में रहने की परमिशन मिले की बाकी सारे सिंगल इज बेस्ड ऑन बुक्स इज बेस्ड ऑन बुक्स जहां पर हम लोग बोलेंगे यार इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा कितना लगा था इन द डिनोमिनेटर और उसके अगेंस्ट उनको कमा के कितना दिया दैट इज इन द न्यूमरेटर सूरज 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 राइट आपको सिंगल ही रहना पड़ेगा मतलब ऐसा मैं चाहता नहीं हूं बट ऐसा आपने कर दिया क्योंकि आपने बोला रिटर्न ऑन इक्विटी इज द रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट बॉस इट इज बेस्ड ऑन एंटायरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज द बुक्स

बुक वैल्यू पर शेयर राइट इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर होता है कि यार कॉमन सेंस समझ रहा दिस इज नॉट अ अमुला दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग राइट जहां पे हम बोलेंगे इक्विटी का जो क्लेम है ना बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग नेट नेट दैट इज द इक्विटी शेयर होल्डर फर्म नेट नेट मतलब अगर एसेट साइड में कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है मिसेलिनियस एक्सपेंस है अनरिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस है पी का डेबिट बैलेंस है ऐसा कुछ है तो आपको वो डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द बैलेंस ऑफ इक्विटी

That is my required rate of return. वो कितना minimum rate of return आप कमाना चाहते हो? That depends on the risk involved. The more risk you take, the more return you would want to earn. तो so my total return which I want to earn is made up of three things. कि market में real risk free rate क्या चल रहा है? मतलब मतलब risk free rate market में क्या चल रहा है? जिसमें अभी inflation का भी effect नहीं दिया, excluding inflation, market में real risk free rate क्या चल रहा है? प्लस जो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है आपको वो भी कमाना है प्लस अगर रिस्क लिया है बिना रिस्क लिए ये दो चीजें आपको मिलेगी कमाने के लिए क्योंकि रिस्क का इन्फ्लेशन से कोई रिलेशन नहीं है. है ना रिस्क का इन्फ्लेशन से कोई रिलेशन नहीं है राइट right? रिस्क नहीं लिया ना तो भी इतना तो कमाना ही है लेकिन रिस्क लिया तो उसके ऊपर रिस्क प्रीमियम भी कमाना है इसके बाद पीपल इन द क्लास यार कोई बोल रहा है ऑडियो इंक्रीज करो अलाउ मी अ मिनट मुझे ट्राई करने दो एक मिनट मैं ऑडियो इंक्रीज करने का ट्राई कर रहा हूं और प्लीज बताना कि हो रहा है कि नहीं एक मिनट हाँ। ऑल राइट एवरी वन ऑल राइट एवरी वन ऑल राइट एवरी वन आई थिंक एक सेकंड हाँ एक सेकंड एक सेकेंड आई एम ट्राइंग टू स्पीक सर्टन थिंग्स सो दैट हाँ जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट वेट ऑल राइट चलिए कैन यू प्लीज कन्फर्म इफ द वॉइस इज द सेम और डिफरेंट एवरी वन आई विल हैव टू वेट समलीज कन्फर्म इफ द वॉइस इज डिफरेंट और सेम एक मिनट हाँ हाँ ऑल राइट एवरी वन द वॉइस इज सेम और डिफरेंट इस ये मेरा नेचुरल बोलने का वो रहेगा इस लेवल पर आप कन्फर्म कर दीजिए आप मेरे को सुन पा रहे हो या फिर इट हैज टू बी इंक्रीज फर्दर सेम सेम ओके वेट ऑल राइट right. अभी सेम है या डिफरेंट है थोड़ी तो अलग होनी चाहिए यार इज इट द सेम और डिफरेंट पीपल वन मिनट अभी मत बताइए रुको एक बार और एक चीज करने दो बिकॉज अदरवाइज क्या होगा हम hmm. अब बताइए पीपल इन द क्लास इज द सेम और डिफरेंट एवरी वन दिस इज फाइनल दिस इज फाइनल डिफरेंट परफेक्ट आर यू सेटल्ड अब लाउड है ओके 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 कूल थैंक यू नीरज द बुक्स आर ऑसम आउट नोट्स तो अमन अवेलेबल है ना आउट नोट्स आपको मिला है कि नहीं चलिए कूल 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 एवरी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे भाई कि जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट पे हमें टोटल कितना रिटर्न रिक्वायर्ड है टू अर्न वो डिपेंड करता है कि मार्केट में रियल रिस्क रेट क्या है मार्केट में इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या है और मार्केट में रिस्क प्रीमियम क्या है राइट right. और हमने देखा था कि हमारा जो टोटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स अब इन तीनों चीजों में एग्जैक्ट सर विच थ्री आर टू बी एडेड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कैश फ्लो जैसा कैश फ्लो वैसा रेट है ना हमने कैश फ्लो में चार तरीके से कैश फ्लो समझा राइट right? सर पहले समझा कि यार कैश फ्लो रिस्क फ्री है या रिस्की है अगर रिस्क फ्री कैश फ्लो है तो रेट भी वो रहेगा जिसमें रिस्क प्रीमियम ना हो मतलब रिस्क फ्री रेट रहेगा और अगर कैश फ्लो में रिस्क है कैश फ्लो में सर जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया उसमें रिस्क है पता नहीं कैश फ्लो कितना मिलेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा जहां भी कैश फ्लो में रिस्क है मतलब अगर कैश फ्लो रिस्की है तो रेट भी वो होगा जिसमें रिस्क प्रीमियम इंक्लूडेड हो ऑल राइट right. कूल सर सिमिलरली देखना पड़ेगा कैश फ्लोज रियल है या नॉमिनल है मतलब हमने किसी भी इन्वेस्टमेंट के किसी भी सिक्योरिटी के किसी भी प्रोजेक्ट के जब फ्यूचर कैश फ्लोज प्रिडिक्ट किए थे तो हमें देखना पड़ेगा कि उन फ्यूचर कैश फ्लोज प्रिडिक्ट करते टाइम क्या आपने फ्यूचर के जो इन्फ्लेटेड रेट्स हैं उनको कंसिडर किया या फिर आज के लेवल का इन्फ्लेशन कंसिडर किया हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल किया था कहाँ पे ये रहा हमने बोला जब हमने फ्यूचर के रेवेन्यूस प्रेडिक्ट किए तो उसमें जो प्राइजेस कंसिडर किए हमारे प्रोडक्ट्स की राइट right, वो प्राइस आज की प्राइस है या फिर फ्यूचर के इन्फ्लेटेड प्राइजेस है टू कैलकुलेट द कैश फ्लोज अगर आपने वो इन्फ्लेटेड प्राइस ली है मतलब मतलब ये कैश फ्लोज नॉमिनल है और अगर आपने प्राइजेस आज के इन्फ्लेशन के बेसिस पे ली है उसमें फ्यूचर की बढ़ते हुए रेट्स का इफेक्ट नहीं दिया मतलब वो कैश फ्लोज रियल कैश फ्लोज है सर क्या फर्क पड़ता है फर्क ये पड़ता है मेरे भाई कि अगर कैश फ्लो रियल है मतलब अगर आपने कैश फ्लो को अभी नहीं बढ़ाया एक कॉमन सेंस भी फील करना अभी आपने इन्फ्लेशन की वजह से कैश फ्लोज को नहीं बढ़ाया कैश फ्लो अभी भी कम ही है ईयर वन टू थ्री फोर अभी रिलेटिवली छोटे कैश फ्लो क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं दिया तो डू यू रियलाइज उनको डिस्काउंट करने के लिए रेट भी छोटा होना चाहिए अगर कैश फ्लोज छोटे हैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं दिया तो रेट में भी इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्लूड मत करना रेट भी छोटा होना चाहिए वो सिर्फ रियल रिस्क फ्री रेट होगा और रिस्क प्रीमियम होगी ऑलराइट right, उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंक्लूडेड नहीं होगा सिंपली सेइंग सिंपली सेइंग अगर कैश फ्लोज रियल है इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है कैश फ्लूज में तो रिस्की और रिस्क फ्री एक अलग बात है बाकी कैश फ्लो अपना रेट अपना हमेशा रियल होगा और अगर कैश फ्लोज नॉमिनल है तो रेट हमेशा नॉमिनल होगा एवरी बोलिए क्या ये डिस्कशन पे आप हंड्रेड परसेंट सेटल्ड हो पीपल इन द क्लास रिक्वेस्टिंग योर रिस्पॉन्स क्योंकि इसके बाद जितना मुझे पता है हम लोग अब कुछ नया सीखने वाले हैं एवरी वन प्लीज बोलिए जैसे कैश फ्लो वैसा रेट हां चैट बॉक्स में क्या बोल रहे हो ऑडियो की बात बता दी ऑल राइट right. कुछ लोग बहुत ज्यादा निराश और हताश हो चुके हैं सिंगल वाली बात से नॉट बिकॉज क्योंकि उनको सिंगल होने का डर है बट बिकॉज कभी वो रिलेशनशिप में थे ही नहीं तो ये बात उनको ज्यादा हर्ट कर रही है सो आई कैन अंडरस्टैंड जब हमें कोई सिंगल रहने की बदुआ देता है जब हम कभी रिलेशनशिप में नहीं थे तो ज्यादा हर्ट करता है ठीक है बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं एवरी चलिए अब नया डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हमें समझना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न

या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी पॉजिटिव चीजें आनी थी या फिर इंडिया में जो भी डेटा आना था पॉजिटिव आई थिंक सब सिर्फ बीजेपी रिजल्ट का वेट कर रहे थे राइट right? तो अभी स्टॉक मार्केट एकदम फुल भाग रहा है आज जिस जहां मार्केट खड़ा हुआ है राइट right? क्या मार्केट में रिस्क है सर बहुत रिस्क है तो रिस्क है तो क्या आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा रहेगा जी हाँ सर जी हाँ लेकिन सर आपको लगता क्या है आज जहां पे 21,500 पे अपना निफ्टी खड़ा हुआ है आपको क्या लगता है यहां से अगले एक साल में निफ्टी कितना रिटर्न दे देगा यहां से अगले एक साल में निफ्टी कितना रिटर्न दे देगा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इन दो क्वेश्चन को करना सीखो पहला आप निफ्टी से कितना कमाना चाहते हो वो आपका रिक्वायर्ड है लेकिन आपको क्या लगता है आपके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आपके कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आपके अजम्पन के अकॉर्डिंग कि निफ्टी आपको कितना रिटर्न दे देगा मैं आपसे आंसर नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे ये दो क्वेश्चन में डिफरेंशियट करने का बोल रहा हूं क्या आप इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंशियट कर पा रहे हो पहला आपको क्या लगता है कि शेयर ऑफ टीसीएस कितना रिटर्न दे देगा दूसरा आप टीसीएस के शेयर से कितना कमाना चाहते हो पीपल इन द क्लास रिक्वेस्टिंग योर रिस्पॉन्स एवरी बोलो भाई हेलो 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 प्लीज एवरी वन माइक चेक बोलिए इन दो क्वेश्चंस में डिफरेंशियट कर पा रहे हो तो क्लास में हाँ बोलो Otherwise, तो फिर कोई बात ही नहीं है यस yes, यस yes. फिर से बोलता हूं मार्केट में में आज TCS का में तो का शेयर एक्चुअल तो है ना बट ऑब्वियसली हमें कैलकुलेशन इजी बताना है हमें ऐसा लगता है अभी टीसीएस का शेयर बहुत हाई पे प्लस उसको बिजनेस भी इतना नहीं आ रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है यार इस बार टीसीएस का शेयर कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं देगा तीन हजार रुपए का मैक्सिमम क्या हो जाएगा पांच परसेंट रिटर्न दे देगा और तीन हजार एक सौ पचास हो जाएगा ये है मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब मुझे क्या लगता है कि कोई स्टॉक कितना रिटर्न दे देगा मुझे क्या लगता है उस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी के प्रोडक्ट्स के हिसाब से रिसर्च के हिसाब से कि आप कंपनी कितना रिटर्न दे देगा इट इज माय एस्टीमेट डज दैट मीन कि मैं टीसीएस से सिर्फ पांच परसेंट कमाना चाहता हूं People in the class. TCS 5 देगा ये मेरा है बट दैट मीन टीसीएस सिर्फ पांच परसेंट कमाना चाहता हूं एफ FD बैठी है ना बैंक में वो सेवन परसेंट दे रही है तो क्या आप TCS से सिर्फ ही कमाना कमाना चाहोगे नहीं सर 12 कमाना चाहूंगा. तो जो कमाना चाहोगे रिक्वायर्ड लेकिन आपको लगता क्या है वो कंपनी

वही तो अनसर्टेनिटी है राइट तो हमने बोला कि चलो ठीक है हमने किया और मुझे ऐसा लग रहा है एक साल बाद हम इसको हंड्रेड एंड फिफ्टीन में सेल कर पाएंगे आज सौ रुपए में खरीदा और हंड्रेड सेल कर पाओगे इस डेटा सिर्फ इतने डेटा के बेसिस पे बोल सकते हो कि आपको क्या लगता है आप कितना रिटर्न कमा पाओगे पीपल इन द क्लास सौ रुपए में शेयर खरीद चुके हो एक सौ पंद्रह में बेच पाओगे ऐसा आपका एस्टिमेट है कितना परसेंट रिटर्न व्हाट डू यू थिंक पीपल इन द क्लास कमा पाओगे हंड्रेड एंड फिफ्टीन माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड बहुत सिंपल सर पंद्रह परसेंट का आंसर आप में से हर किसी ने सोचा और कैसे सोचा डिनोमिनेटर में लिया कितना लगाया है ना रिटर्न का हमेशा एक फॉर्मूला होता है मैंने आर में भी बताया था डिनोमिनेटर में लो कितना लगाया कैपिटल का अमाउंट और न्यूमिनेटर में लो उसके ऊपर कितना कमाया ऊपर रिटर्न का अमाउंट

जरा बोलेंगे हेलो बोलो यार सिर्फ कैपिटल गेन कमाते हो या फिर कुछ और भी कमाते हो एवरीवन क्या कमाते हो डिविडेंड कमाते हो राइट right? मतलब आपकी जो टोटल अर्निंग होगी दैट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एज वेल एज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड This is the total return I could get by investing a total amount of P0 at 0 जीरो पॉइंट मतलब आज कितना प्राइस है सौ रुपया P1 मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस कितना होने वाला है D मतलब कितना डिविडेंड आपको क्या लगता है कितना मिलेगा फॉर example चलो चलो एक काम करते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन को बुक में जो एग्जांपल गिवेन है उससे पुट करते हैं 115 एंड माइनस हंड्रेड राइट डिवाइडेड बाय समझो समझो इन्वेस्टमेंट जीरो है क्चर में कोई भी चीज रैंडम उठा के बोल दू तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए बंदा क्या बोल रहा है और राइट ठीक है क्लास में अभी भी कुछ बेशम लोग बैठे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं वो भी फ्री में बिना रजिस्टर किए लेकिन अभी भी क्या नहीं कर रहे हैं <laughs> बोलो 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 मैं उन जनता से सुनना चाहूंगा कि क्लास में लोग YouTube पे वीडियो तो देख रहे हैं फ्री में बिना रजिस्टर किए लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं? जो जनता मेरे साथ है प्लीज इसका जवाब दे कुछ लोगों ने तो करना स्टार्ट भी कर दिए वेरी दैट्स स्मार्टनेस चलिए ग्रेट एवरीवन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में भर भर के पढ़ चुके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्या फंडा हो गया? Internal rate of return का फंडा ऐसा हो गया बॉस कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल में कोई टाइप का rate of return ही नहीं है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो इनफैक्ट एक टेक्निक है इंटरनल रिटर्न एक टेक्निक है जो बताती है कि आपने कितना पैसा कमाया अगर मैं आपके पास्ट का डेटा बताऊं जिसमें मैं आपको कैश फ्लोज की डिटेल्स दे दूं अगर मैं आपको आपके पास्ट का डेटा बताऊं राइट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पास्ट का डेटा बताया कि आज से दो साल पहले आपने एक रुपया लगाया था आज से टाइम के ऊपर बताता हूँ ऐसे मजा नहीं आएगा है ना ये देखो ये देखो आज से दो साल पहले मतलब उस पॉइंट को मैं जीरो पॉइंट बोल रहा हूँ जीरो पॉइंट पे आपने एक सौ रुपया लगाया था इसलिए उसको नेगेटिव हंड्रेड एंड टेन करके आउटफ्लो बोल देता हूं राइट अब एक साल पहले मतलब उसके एक साल बाद जीरो पॉइंट के एक साल बाद आपको उस इन्वेस्टमेंट से इलेवन रुपीज रिटर्न मिला ग्रीन कलर से लिख रहा हूं और आज जहां पे आप खड़े हो सेकेंड ईयर के एंड में वहां पे आपको वन ट्वेंटी वन रुपीज और मिल गए पीपल इन द क्लास एक सौ दस रुपए लगाए थे थोड़ा सा प्लान चेंज कर रहा हूं मैं सौ रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे राइट right? जिसके लिए फर्स्ट ईयर के एंड में आपको इलेवन रुपीज मिले और सेकेंड इन वन ट्वेंटी अब ये कैश फ्लो का डेटा है ना की मदद से अगर मैं फिगर आउट करना चाहूं कि मैंने कितना रिटर्न कमाया तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगी आईआरआर टेक्निक देखो ना ऊपर भी मैंने क्वेश्चन पूछा था ऊपर भी मैंने क्वेश्चन पूछा कि सौ रुपया लगाया उसके अगेंस्ट 115 मिला सौ रुपया लगाया प्लीज ध्यान से देखना आउटफ्लो था सौ रुपए एक साल की थी टाइमलाइन लाइन जीरो ईयर वन ईयर तो सौ रुपया लगाया एक सौ पंद्रह मिला मैंने पूछा रिटर्न कितना तो आप में से हर किसी ने चिल्ला चिल्ला के जवाब दिया सर फिफ्टीन परसेंट आज वही सवाल मैं नीचे पूछ लूं अगर आपसे तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑब्वियसली सर दो साल का डेटा है माइंड में नहीं हो पा रहा है बट इतना कॉमन सेंस तो समझ में आता है इतना कॉमन सेंस तो समझ में आता है कि सर अगर लगाया 100 और मिला 115, मतलब लगाया कम और मिला ज्यादा सिमिलरली लगाया 110 और मिला इन टोटल मिला 132, थर्टी टू इन टोटल मिला 132, थर्टी टू अगर लगाया कम और मिला ज्यादा मतलब कुछ तो कमाया है कुछ तो कमाया अब कितना कमाया वो हमारे कॉमन सेंस में नहीं जाता कॉमन सेंस में नहीं जाता डू यू अग्री उसके लिए हमें जो है आई आर आर टेक्निक यूज करना पड़ती है पीपल इन द क्लास यूज ट्रायल एंड एरर मेथड टू फाइंड आर क्या हमें यूज ट्रायल एंड एरर मेथड ठीक है एंड यूजिंग इंटरपोलेशन यू हैव टू फाइंड आर मतलब प्रिसाइजली अगर मैं कहना चाहूं प्रिसाइजली अगर मैं कहना चाहूं तो ये हो गया ये हो गया कि सर मुझे एक मिनट दोगे मैं प्रेजेंट करता हूं आप सभी के लिए ये लीजिए ये प्रेजेंटेशन ले लो एक सेकेंड सर इस इलेवन को इस इलेवन को और इस वन ट्वेंटी वन को कूल 11 को और वन ट्वेंटी वन को मुझे एक ऐसे किसी रेट से डिस्काउंट करना है राइट right? मुझे ऐसे किसी एक रेट से डिस्काउंट करना है जिस रेट से डिस्काउंट करके यहाँ जो मेरी वैल्यू आ रही है ना वो किसके बराबर आ जाए ये जो वैल्यू आ रही है डिस्काउंटेड वैल्यू ये किसके बराबर आ जाए पीपल इन द क्लास हंड्रेड एंड टेन के बराबर आ जाए तो हम जानना चाह रहे हैं यार आर वो रेट होता है जिसमें पी वी ऑफ माई आउट फ्लो इज इक्वल्स टू पी वी ऑफ ऑल माई इन एंड वही वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जितनी मेरी कमाई है ये इंटर के डेप्थ में ना जाऊं तो चलेगा पीपल इन द क्लास कैन आई सी हमारे इंटर के बेसिक्स है एवरी वन एवरी वन एवरी वन मेरा ऑब्जेक्टिव था इस बार आर कैसे कैलकुलेट करने वो सिखाना ऑब्जेक्टिव नहीं था मेरा ऑब्जेक्टिव था ये बताना ये बताना कि उस आर का मतलब क्या है एक बार रिस्पॉन्स कर दो ना पीपल इन द क्लास कि क्या मैं आपको आर विच इज द रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस न करके सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन भी बता दू तो चलेगा क्या हाँ या ना मैं जवाब दे दिया आपका जवाब ना भी होगा तो आई एम फाइन विद आई विल क्विकली एक्सप्लेन बट टेल मी टेल मी एवरी वन रिस्पॉन्स इज नीडेड वी नीड टू बिल्ड दैट कम्युनिकेशन नाउ एवरी वन प्लीज अरे यार जवाब नहीं दोगे ना मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके घर आ जाऊंगा मैं पीपल ठीक है सुनो 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 सुन लो सुन लो सुन लो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं सर ही दो आप तो।, तो मैं बता देता हूँ सुनो सुनो सर ये देख लो एक मिनट हाँ प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं कूल cool. ये लीजिए ठीक है सर फंडा ऐसा है फंडा ऐसा है कि हम ये चाह रहे थे कि अगर आज मैंने हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ लगाया

एक सौ इक्कीस रुपए को इस एक सौ इक्कीस रुपए को हमें डिस्काउंट करना है हमें डिस्काउंट करना है किस रेट से वही तो ग्यारह तो रुपया एक साल बाद मिल रहा है तो उसको एक साल से डिस्काउंट करेंगे एक सौ इक्कीस रुपया दो साल बाद मिल रहा है उसको दो साल बाद डिस्काउंट करेंगे और हम बोलते थे पीपल इन द क्लास जस्ट एक सेकेंड हम बोलते थे इस ग्यारह रुपए को और एक सौ इक्कीस को किसी ऐसे रेट से डिस्काउंट किया जाए किसी ऐसे रेट से डिस्काउंट किया जाए कि डिस्काउंट करने के बाद इस ग्यारह रुपए और एक सौ इक्कीस की जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है इस ग्यारह रुपए की और एक सौ इक्कीस की जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ माई इनफ्लो किसके बराबर हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ माई आउटफ्लो मतलब एक सौ दस के बराबर हो पीपल इन द क्लास एक ऐसे रेट से डिस्काउंट करना है जिससे ये पी ऑफ फ्यूचर इनफ्लो मेरे आउट्लो के बराबर हो और वो जो रेट होगा वो जो रेट होगा दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न आई विल ऑन ऑन दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ हंड्रेड एंड टेन मतलब 110 लगा के अगर मैंने 111 और 121 रिसीव किया तो मैंने कितना कमाया सर ये जो भी आर आता है आपका कैलकुलेट करके आपने उतना कमाया दैट इज पीपल इन द क्लास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग ये आर विच इज माई रेट ऑफ अर्निंग रेट ऑफ रिटर्न में कैलकुलेट करता हूं पीपल आर यू सेटल्ड आर यू सेटल रिक्वेस्टिंग योर रिस्पॉन्स बोलिए अब सवाल आता है सर ये आर कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला है नहीं नहीं आपको गेस करना पड़ेगा आप टेन परसेंट पुट करके देखना टेन परसेंट से इन दोनों को डिस्काउंट करना आर की वैल्यू टेन डालना इन दोनों को डिस्काउंट करना क्या आपका आंसर मैच हो रहा है अगर हां तो आपका आंसर सही है टेन परसेंट इज द रेट अगर नहीं तो ट्वेल्व परसेंट ट्राई करना दिस इज हाउ यू विल हैव टू डू इट बाकी क्वेश्चन में आएगा जब देखेंगे और राइट right. अर्चना अर्चना कूल आई विल यूज द नंबर्स इन इंग्लिश नाउ थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग अप

अगर ये कैश फ्लोस पास्ट के हो और कोई हमसे पूछ के बताइए आपने कितना कमाया अगर दो साल पहले आपने 110 दिया था और आज आप इतना कमा रहे हो इन दिनों आने वाले दो साल पहले 110 दिया था लास्ट ईयर 11 मिला सॉरी दो साल पहले 110 पे किया था लास्ट ईयर 11 मिला और इस साल इस साल जहां आप खड़े हो 121 मिला सो इफ इट इज द डेटा ऑफ पास्ट द रिटर्न

एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पता चल गया और internal rate of return, जो एक एक है है। वो भी पता चल गई। चलें आगे, Great. Time value of money के पढ़ लिए थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. एक छोटा सा डिस्कशन आप, आप कुछ हद तक, तक तो हम कर चुके हैं अब आपको पता है नॉमिनल कैश फ्लो क्या होते हैं क्या होता है, राइट अगर हम एक्चुअल में देखें कि के, first year के end में क्या रिसीव होगा? तो वो तो फर्स्ट ईयर के एंड की प्राइजेस जो चल रही होगी वो रिसीव होगा सेकेंड ईयर के एंड में जो प्राइस चल रही होगी जो इन्फ्लेटेड प्राइस होगी वो रिसीव होगा करेक्ट वो नॉमिनल कैश फ्लो है लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम अगर बोले कि इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करते हैं बिना इन्फ्लेशन के देखते हैं जो आज के प्राइजेस हैं फिफ्टी रुपीज सिर्फ उसी प्राइस के बेस पे देखते हैं कि दो साल बाद का मेरा रेवेन्यू कितना होगा तो उस कैश फ्लो को कहते हैं रियल कैश फ्लो ये आपको पता है कि नॉमिनल को डिस्काउंट करो तो नॉमिनल रेट यूज करना रियल को डिस्काउंट करो तो रियल रेट यूज करना राइट right? अब एक चीज सुनो एक चीज सुनो रिलेशनशिप क्या होता है रियल कैश फ्लो और नॉमिनल कैश फ्लो का ये बात जान लो इन द सेंस अगर हमें नॉमिनल कैश फ्लो दे और बोले रियल में कन्वर्ट करना है या फिर रियल दे और बोले नॉमिनल में कन्वर्ट करना है तो क्या हम कर सकते हैं जवाब है हाँ। कैसे कर सकते हैं बहुत सिंपल है ना एक मिनट दीजिए एक मिनट दीजिए हम बोलेंगे हम बोलेंगे नॉमिनल कैश फ्लो इज इक्वल्स टू रियल कैश फ्लो इन टू वन प्लस वॉट एवर इज रेट टू पावर एन है ना मतलब समझना मतलब समझना सर सर समझो समझो इन्फ्लेशन रेट है टेन परसेंट इन्फ्लेशन रेट है टेन परसेंट राइट जीरो सेकेंड ईयर के एंड का सेकंड ईयर के एंड का ऐसा मान के चलते हैं कि रियल कैश फ्लो है टेन थाउजेंड सेकेंड ईयर के एंड का रियल कैश फ्लो है टेन थाउजेंड रुपी, मतलब इसमें भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंक्लूड नहीं है ये नंबर आ गया टेन थाउजेंड रुपी अगर आपसे बोला जाए कि सेकेंड ईयर के एंड का नॉमिनल कैश फ्लो क्या होगा मतलब उस सेकेंड ईयर के एंड के कैश फ्लो में अगर मैं दो साल के इन्फ्लेशन का इफेक्ट दे दूँ तो सेकेंड ईयर के एंड का कैश फ्लो क्या होगा तो सिंपल सी बात है सर वन प्लस अज्यूमिंग इन्फ्लेशन का रेट फाइव परसेंट है तो वन प्लस फाइव परसेंट टू दी पावर टू सिंस दो साल के एंड का कैश फ्लो था दो साल के एंड का कैश फ्लो मतलब दो साल के इन्फ्लेशन का इफेक्ट देना इसीलिए टू दी पावर टू किया वन प्लस इन्फ्लेशन रेट टू दी पावर टू वन प्लस आर टू दी पावर एन बोलते ना बिल्कुल वही वाला थॉट है पीपल हैवी लर्न हाउ टू कन्वर्ट हाउ टू कैलक्युलेट नॉमिनल कैश फ्लो फ्रॉम रियल कैश फ्लो एवरी वन जवाब दो सेटल्ड जवाब दे रहे हो क्या यार कैसी इन्हें जल्दी बताओ एवरी वन यस इनफैक्ट यह तो छोड़ो इनफैक्ट ये तो छोड़ो रियलाइज ये करना दिस इज नॉट डूइंग फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लास में हर एक स्टूडेंट की चाहिए कि दिस इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू बॉस ये भी सेकेंड ईयर का एंड का कैश फ्लो है ये भी सेकेंड ईयर के एंड का ही कैश फ्लो है हमने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू नहीं किया हमने सिर्फ इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिया है एवरी वन एवरी वन सेकेंड ईयर के एंड का ही कैश फ्लो है बट उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं था तो ये देखो टू दी पावर एन वन प्लस इन्फ्लेशन रेट टू दी पावर एन करके इन्फ्लेशन का इफेक्ट दे दिया आप ईयर चेंज नहीं कर रहे हो दोनों सेकेंड ईयर के एंड के ही कैश फ्लो है पहली बात दूसरी बात अगर मुझे कोई नॉमिनल दे दे तो उससे रियल फाइंड कर सकता हूं क्या जी हाँ ये वन प्लस आई वन प्लस आई टू दी पावर एन को इधर ले आना था तो रियल आ जाएगा Cool. मतलब आपने कन्वर्जन सीख लिया ये कन्वर्जन क्यों सीखा मान के चलो मान के चलो एग्जामिनर ने नॉमिनल कैश फ्लो दिया अब हमें पता है कि cash flow nominal है है कि और अगर तो cash flow को भी real में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बिकॉज रेट एंड कैश फ्लो हैर्न इट सेकेंड सर सिमिलरली क्या रेट्स के बीच में भी कोई रिलेशनशिप होता है क्या रेट्स के बीच में जी हाँ ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए आप बोलेंगे न प्लस नॉमिनल रेट देखो वो याद है वो याद है ध्यान से देखना चलो मैं ये बताता हूं करेक्ट अपना वो कल वाला डिस्कशन याद है जिसमें मैंने बोला था कि यार अगर मार्केट में रियल रिस्क फ्री रेट थ्री चल रहा है मतलब बिना इन्फ्लेशन के मैं तीन परसेंट कमाना चाहता हूं और मार्केट में इन्फ्लेशन अगर पांच परसेंट चल रहा है फॉर एग्जांपल फाइव फाइव परसेंट सॉरी फॉर यूजिंग हिंदी नंबर्स वो क्या हो रहा है द प्रॉब्लम इज दैट आई एम नॉट एबल टू मिक्स द टू थिंग्स

विदाउट इन्फ्लेशन के इफेक्ट के मैं तीन परसेंट कमा रहा हूं और विद द इन्फ्लेशन इफेक्ट मुझे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन मुझे फाइव और चाहिए टोटल कितना चाहिए एट लेट मी टेल यू एवरी वन दैट दिस इज नॉट द माई आंसर विल नॉट बी अ सिंपल एडिशन ये इनका एडिशन हम जो करेंगे ना मल्टीप्लीकेटिव मैनर में करेंगे मल्टीप्लीकेटिव मैनर में करेंगे इन द सेंस इन द सेंस इट वी थ्री प्लस एट सिंपली इट विल रादर बी इट विल रादर बी पल इन द क्लास देखिए इट विल रादर बी वन प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू या फिर एक सेकेंड सॉरी सॉरी माई बैट वन प्लस रेट विच रेट नॉमिनल रेट थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि लिख अच्छे से पाएंगे वन प्लस रेट विच रेट नॉमिनल रेट ज इक्वल्स टू वन प्लस रेट विच रेट रियल रेट है ना मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस इन्फ्लेशन वन प्लस इन्फ्लेशन कहने का मतलब कहने का मतलब कैल्सी उठाइए अगर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट

बेसिक बातें हर एक स्टूडेंट को या तो पता है मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने इस लेवल की क्लास तो ली होगी जहां पर ये सब क्लैरिटीज आपको बिल्कुल खोल के दी गई थी हावेवर नहीं भी दी गई थी तो आप अपनी क्लास में सब कुछ ले रहे हो वो राइट लेकिन उसके बियॉन्ड एक और बात बताऊं बारीकियों में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी छुपी वो बारी आप यहां सीखते हो सुनियो कैसे सर कैश फ्लो किसी पर्टिकुलर ईयर का होता है कैश फ्लो किसी पर्टिकुलर ईयर का होता है तो रियल कैश फ्लो अगर दो साल का है तो नॉमिनल भी दो का ही आएगा अगर हम उसको दो साल के इन्फ्लेशन रेट से करें तो है ना वन प्लस इन्फ्लेशन टू दी पावर एन कर दे तो लेकिन रेट किसी ईयर का नहीं होता रेट किसी ईयर का नहीं होता रेट हमेशा पर एनम होता है तो ये भी पर एनम ये भी ऑलवेज पर एनम ये भी ऑलवेज पर एनम इसमें फर्क नहीं पड़ता कौन से ईयर के लिए कर रहे हो इट इज एनी ऑलवेज पर एनम एम आई हंड्रेड परसेंट क्लियर विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्सेप्ट पीपल इन द क्लास प्लीज एवरी वन एवरी वन बताओ भाई बोलिए क्विक 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 जवाब प्लीज क्या प्लान है ऑल ऑल सेट सेट चलिए ठीक है ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है जो हमें करने की जरूरत नहीं है जब भी हमें ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे हमें रियल टू नॉमिनल नॉमिनल टू रियल करना होगा हम खुद ब खुद ख़़ सीधे उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाके सीख लेंगे सर ये फोर्थ वाला पेज किस चीज के लिए जान लीजिए ऑन पेज नंबर एट देर इज दिस पॉइंटर फोर अदर रेशियोज यूज इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सुनिए अब हम पूरे ए एफ एम में पूरे एफ एम में ये पेज पर्टिकुलरली इंसर्ट किया है आपका लास्ट डे वो वन पॉइंट फाइव डे आसान बनाने के लिए सुनिए सुनिए क्या हुआ मेरे भाई सुनो जब हम पूरे ए एफ एम के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ उल्टे सीधे फॉर्मूलाज आएंगे राइट वो फॉर्मूलाज जो इन जनरल यूज नहीं हो रहे बट उन पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं Right? और हम जब सारे ए एफ एम के क्वेश्चन कर लेंगे ना तो उन फॉर्मूला को भूलने लगेंगे क्योंकि हम क्या करेंगे उन सारे फॉर्मूलास को जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएंगे और हमें लगता है कि शायद हमें याद नहीं रहेंगे या फिर हमें एंड में सारे एक साथ रिवाइज करने होंगे उन सारे फॉर्मूलास को आके यहां लिख लेंगे एम आई क्लियर तो वो जो लास्ट डे के लिए आप फॉर्मूला बुक बनाते हो वो सारी बन जाएगी यहां पे जहां पे जो रेगुलर नेचर के फॉर्मुला है वो तो कॉन्सेप्ट में आएंगे ही क्वेश्चन में छुपे हुए पर्टिकुलर फॉर्मुला सारे इस जगह कंपाइल हो जाएंगे एम आई क्लियर यस इफ यस सो ऑफिशियली मूविंग टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सी एफ आईन एफ एम विच इज इक्विटी एंड बिजनेस वैल्यूएशन क्विटी बिजनेस वैल्यूएशन बधाई हो चुके हैं आप सभी में पे बहुत चुके कुछ लोगों को में से कुछ सारी पहले से आती होगी विच इज ग्रेट नहीं आती है तो अब आ चुकी है विच इज ग्रेट ऑल राइट अब सुनो ये जो अपना चैप्टर है इक्विटीएन बिजनेस वैल्यूशन इट इज मेडअप ऑफ वॉट लेटमीट्यूट के स्टडी मटेरियल में सिक्योरिटी वैल्युएशन फिफ्थ नंबर का चैप्टर है

फोर्थ वाली चीज विच इज इक्विटी वैल्यूएशन फिफ्थ चैप्टर का जो फोर्थ है इक्विटी वैल्यूएशन और थर्टींथ चैप्टर विच इज बिजनेस वैल्यूएशन इन दोनों को मिलाकर एक चैप्टर बनाया इक्विटी एंड बिजनेस वैल्यूएशन जिनके लिए दोनों के लिए सिमिलर थॉट्स चाहिए इसीलिए हम लोग इसको साथ में पढ़ के स्टार्ट कर रहे हैं सो दिस इज पीपल इन द क्लास इज आर फर्स्ट चैप्टर इन द क्लास राइट आ जाइए आ जाइए आ जाइए एंड वेलकम टू द फ्लो ऑफ द चैप्टर मैं आपको बता दू मैं बता दू जैसे नाम जैसा नाम है ना खुद बता रहा है हमें इसमें क्या सीखना है कि भाई अगर कोई कंपनी है अगर कोई कंपनी है राइट अगर कोई कंपनी है दिस इज द कंपनी राइट right? इस कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी इस कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी या फिर या फिर इस कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट इज मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डेट सिक्योरिटीज बैलेंस शीट इज मेड अप ऑफ उसका कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर एंड डेट सिक्योरिटी तो उसके इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी है तो या तो कंपनी एज अ होल का वैल्यू फाइंड करना या फिर उसके इक्विटी शेयर का वैल्यू फाइंड करना दिस इज वॉट वी विल लर्न अंडर द चैप्टर ऑफ इक्विटी एंड बिजनेस वैल्यूएशन प्रिमैरिली

मतलब मतलब पांच अलग अलग चीजों का यूज करके हम किसी कंपनी की वैल्यू अराइव कर सकते हैं ये तो मॉडल्स मतलब कैटेगरी है डिविडेंड की मदद से वैल्यू करना हो ना तो अंदर आपके पास चार अलग अलग सिचुएशंस हैं कैश फ्लोज की मदद से वैल्यूएशन करना हो तो अंदर आपके पास दो सिचुएशन है नेट एसेट्स की मदद से वैल्यू करना हो तो एक सिचुएशन है अर्निंग्स में दो सिचुएशन है राइट right? तो क्या आप बेस लोगे वैल्यूएशन के लिए फर्दर उसके अंदर हम लोग जाना सीखेंगे और उन सबके अलावा कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पर्टिकुलरली वैल्यूएशन नहीं है बट वैल्यूएशन से रिलेटेड है पीपल चैप्टर का फ्लो आई होप क्लियर हो चुका होगा आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने रजिस्टर कर लिया बट उसको बुक्स नहीं मिला पीपल इन द क्लास अश्विनी वो रेस्पेक्टिव टॉपिक में जाके आप खुद समझ में समझते जाओगे कि कौन से कौन से उसमें कौन से उसमें इक्विटी बिजनेस इक्विटी का वैल्यूएशन है वो सब निश्चल you have registered, अर्चना ये जो भी बोल रहे हैं ना नहीं मिला आप लोगों ने रजिस्टर किया और नहीं मिला ऐसा कुछ सिचुएशन है अब वो डिपेंड आपने रजिस्टर कब किया अगर आपने रजिस्टर कुछ दो पिछले दो तीन दिन में किया था विच वर सैटरडे एज वेल राइट right? तो तो आपको फिर बुक अब फर्दर दो राइट right? sure right? तो फिर पक्का आपको फर्दर दो तीन दिन में बुक्स मिल जाएगी जिसके बाद जिसके बाद ये वाली सॉफ्ट कॉपी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो सॉफ्ट कॉपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक घंटे बैठना और सारी समझ समझ के आपकी हार्ड कॉपी में नोटिंग कर लेना 13 को रजिस्टर किया था आपको आज बुक्स मिला तो अगर हम सैटरडे संडे का इफेक्ट देखें तो मतलब अराउंड फोर डेज में आपको मिलेगा ऑल राइट ग्रेट पीपल इन द क्लास ग्रेट अब हम चाह रहे हैं वैल्यूशन मॉडल में जिसमें सबसे पहला वैल्यूशन मॉडल है डिविडेंट वैल्यूएशन मॉडल और इस चैप्टर के इस मॉडल के इस स्टार्ट में एक बात बता रहा हूं ये बात आपको यहां काम आएगी अभी डिविडेंट वैल्यूएशन में जब हम कैश फ्लो वैल्यूएशन में जाएंगे वहां फिर से काम आएगी और जब हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में जाएंगे वहां फिर से काम आएगी क्या आप वो बात सुनने के लिए बेताब हो एवरी <laughs> क्या सुनना चाहते हो सर वो क्या बात है जो बार बार काम आएगी क्लास इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन जो क्या बोलता है मतलब ये वैल्यूएशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्या बोलता है कि भाई साहब आज अगर हम किसी एसेट की वैल्यू कर रहे हैं आज आज जीरो पॉइंट पे खड़े होके आज अगर हमने किसी एसेट वैल्यू की, की तो उसकी वैल्यू पता है क्या होगी? पता है क्या होगी होगी उसकी वैल्यू पता है उस एसेट से उस एसेट से मिलने वाले जो भी फ्यूचर कैश फ्लोस है उस एसेट से मिलने वाले जो भी फ्यूचर कैश फ्लोस है जब तक वो एसेट हमारे पास होगा तब तक उससे फ्यूचर कैश फ्लोज मिलते चले जाएंगे राइट right? तो उन सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू एज ऑफ टुडे, वो जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज मिलेंगे उन सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की वैल्यू एज ऑफ टुडे, मतलब उन सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना पड़ेगा दैट डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू एज ऑफ टुडे ऑफ ऑल दो फ्यूचर कैश फ्लो इज द वैल्यू ऑफ दैट एसेट ज द वैल्यू ऑफ दैट एसेट ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन एम आई क्लियर एम आई क्लियर मतलब 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 सर अगर इक्विटी शेयर आज अगर हम खरीदते हैं मार्केट में हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यार इक्विटी शेयर की आज वैल्यू कितनी जीरो पॉइंट पे तो सर पहले इमेजिन करो इक्विटी शेयर से फ्यूचर में क्या क्या मिलता है एक इक्विटी शेयर से फ्यूचर में क्या क्या मिलता है सर डिविडेंड मिलते हैं और जब शेयर को बेचने जाएंगे ना जब तक शेयर नहीं बेचा डिविडेंड मिलेंगे और जिस दिन बेचने चले गए सेल्स प्राइस मिलेगी डू यू रियलाइज एवरी वन द क्लास आप सब इस बात से अग्री करते हो कि इक्विटी से सिर्फ यही दो कैश फ्लो मिलेंगे पीपल ना करेक्ट प्रेरणा आपने गलत बोल दिया कैपिटल अप्रिसिएशन तो गेन का अमाउंट हो गया मैंने बोला फ्यूचर कैश फ्लो पूरा सेल्स प्राइस प्रेरणा फ्यूचर कैश फ्लो है आपने सौ रुपए में खरीदा एक सौ पंद्रह में बेचा तो मेरा फ्यूचर कैश फ्लो है हंड्रेड एंड नॉट जस्ट फिफ्टीन हंड्रेड में परचेज किया हंड्रेड एंड फिफ्टीन में सेल किया तो फ्यूचर कैश फ्लो हंड्रेड एंड फिफ्टीन एंड नॉट जस्ट फिफ्टीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गेन पी वन माइनस पी जीरो इज नॉट वॉट टॉकिंग अबाउट दर से प्रोसीड ऑल राइट तो उस लॉजिक से अगर देखें उस लॉजिक से देखें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय सेल्स प्राइस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स प्राइस पीपल इन द क्लास इज द वैल्यू ऑफ माय शेयर आर यू एवरी वन अग्रिंग टू इट ये हो गया वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सिमिलरली सर वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता होगा जाएंगे बॉन्ड चैप्टर में सिंप्लिसिटी के लिए बोलो तो सही सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड से क्या मिलता है सर जिनको जिनको समझ आ रहा है लिख लेना जिनको समझ नहीं आ रहा है लोड नहीं लेने का जब बॉन्ड वाले चैप्टर में मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में जाएंगे तब देख लेंगे राइट right? सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन मतलब इंटरेस्ट जब भी हम किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है मतलब कूपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू आर माय आर माय फ्यूचर कैश फ्लोज उनकी पी कर देंगे तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगा या फिर कोई और भी एसेट है ना सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ उससे मिलने वाले कैश फ्लोज इज द वैल्यू ऑफ दैट एसेट दिस इज वॉट इट इज एवरी क्लास ऑल राइट डन सेटल्ड ग्रेट इसका लॉजिक जानने की जरूरत लग रही है क्या क्या आपको इसका लॉजिक जानना है कि सर इसके पीछे लॉजिक क्या है इसके पीछे लॉजिक क्या है एवरी वन क्विक बहुत जल्दी जवाब देना स्पेशली वो चीजें जो बहुत सब्जेक्टिव और आपके ऊपर डिपेंड करेगी आप बोलोगे कि नहीं सर लॉजिक जाने बिना करना तो यही है तो हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं बिना लॉजिक जाने क्योंकि ये चीज इतनी बार करेंगे कि दिमाग में तो बैठ जाएगी बट इसके लॉजिक में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार अगर आपको जानना है तो बोलना पड़ेगा चैट बॉक्स में दैट्स हाउ आई विल गेट टू नो जानना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लॉजिक तो आपको आता है मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं प्लीज बताना प्लीज बताना सर सर आप जीरो पॉइंट पे ध्यान से देखना ध्यान से देखना जीरो पॉइंट पे चलो ऊपर लिखता हूं टाइम लाइन ऊपर बनाता हूं एक सेकेंड दीजिए एक सेकेंड दीजिए एक सेकेंड दीजिए यस यस जीरो पॉइंट पे मुझे एक एसेट में इन्वेस्ट करना है कितना करना है कितना करना है वही तो फिगर आउट करना है सर मुझे इस एसेट में कितना इन्वेस्ट करना है वो तो डिपेंड करता है मैं किसी भी चीज के लिए आज उतना पैसा देने के लिए रेडी हो जाता हूं डिपेंडिंग अपॉन मुझे उससे फ्यूचर में मिलता कितना है ये कॉमन सेंस है ना प्लीज 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 ये ये लॉजिक नहीं तो एक कॉमन सेंस है अगर आपको कोई एसेट समझो एक एसेट इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं एक साल है अगर वो एसेट सौ रुपया देगा तो आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करोगे अगर वो एसेट एक लाख रुपया देने के लिए रेडी हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करोगे अगर वो एसेट आपको फिफ्टी रुपीज देगा तो आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करोगे क्या इस बात में कॉमन सेंस नहीं है एवरी है अब मैंने बोला कि समझो वो एसेट आपको हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज देगा एक साल एसेट की लाइफ है सिर्फ एक बार उस एसेट से कैश फ्लो मिलेगा और वो मिलेगा हंड्रेड एंड फिफ्टीन रुपीज हंड्रेड एंड फिफ्टीन रुपीज मिलेगा उस एसेट के लिए आज आप कितना रुपया देने के लिए रेडी हो जाओगे वो आपसे सवाल है क्या आज आप हंड्रेड एंड फिफ्टीन रुपीज देने के लिए रेडी हो जाओगे हा या ना पीपल क्या आज आप हंड्रेड रुप फिफ्टीन रुपीज देने के लिए रेडी हो जाओगे हा या ना क्या आज आप हंड्रेड एंड थर्टीन रुपीज देने के लिए रेडी हो जाओगे हाँ या ना हंड्रेड एंड फिफ्टीन में तो चलो समझ में आता है आपने एक भी रुपया नहीं कमाया पर यहां तो समझ में आता है दो रुपया कमाया क्या अब आप रेडी हो हंड्रेड एंड थर्टीन में एवरी वन बोलो यार बोलो 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 हंड्रेड एंड थर्टीन में रेडी नहीं हो हंड्रेड एंड टेन में रेडी हो क्या नहीं सर सर आप सबके दिमाग में मेरे सिखाए बिना यही कैलकुलेशन चल रहा है क्या कैलकुलेशन चल रहा है सर कैलकुलेशन ये चल रहा है कि मैं उतना देने के लिए रेडी हो जाऊंगा जितना मैं कमाना चाहता हूं उतना कमा लूं। राइट right? आपने सोचा अगर मैं पंद्रह रुपए कमाना चाहता हूं ना प्लीज सुनो 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 मेरी बात सुनो रुको आप में से जो बंदा पंद्रह कमाना चाहता है वो सौ रुपया देने के लिए रेडी हो जाएगा आप में से जो बंदा दस रुपया कमाना चाहता है वो एक सौ पांच रुपया देने के लिए रेडी हो जाएगा आप में से जो बीस रुपया कमाना चाहता है वो सिर्फ नाइन्टी फाइव देने के लिए रेडी होगा मेरी बात समझे क्या आप इसमें कितना कमाना चाहते हो उतना आप हटा देते हो और बचाओ आप बोलते हो कि सर ये मैं रेडी हूं देने के लिए हाँ या ना? बोलो 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 इफ यू वॉन्ट टू अर्न फिफ्टीन अगर आप फिफ्टीन रुपीज कमाना चाहते हो तो आप उसमें से फिफ्टीन हटा के बोलते हो सर मैं हंड्रेड देने के लिए रेडी हूं अगर आप ट्वेंटी कमाना चाहते हो तो हंड्रेड एंड फिफ्टीन में से ट्वेंटी हटा के आप बोलते हो मैं नाइनटी फाइव देने के लिए रेडी हूं आप जो कमाना चाहते हो वो आप अलग हटा के बोलते हो सर दिस मच वी आर रेडी टू पे ये आपने वैल्यूएशन कर दिया ये मैंने नहीं सिखाई आपने किया है क्या किया क्या किया कि जितना आप कमाना चाहते हो उतना अलग हटा दो क्या मैं कह सकता हूं कि जो आप कमाना चाहते हो वो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है जो आप कमाना चाहते हो वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है राइट right? और वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को अलग हटाना प्लीज बताओ ये कॉमन सेंस बताओ पीवी में जब इंटरेस्ट एड करते हैं तो एफ आता है पीवी में जब इंटरेस्ट एड करते हैं तो एफ आता है आता है कि नहीं पीवी में इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो एफ आता है और इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंडिंग इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंडिंग सिमिलरली एक बात का जवाब देना सिमिलरली एक बात का जवाब देना अगर एफ में से एफ में से इंटरेस्ट हटा देंगे इंटरेस्ट हटा देंगे तो क्या मैं उसको डिस्काउंटिंग नहीं बोल सकता हूँ हेलो अगर पीवी में इंटरेस्ट ऐड किया तो आप बोलते हो एफवी आता है विच इज कंपाउंडिंग तो एफवी जो 115 का मेरा फ्यूचर वैल्यू है उसमें से अगर मुझे इंटरेस्ट हटाना हो तो क्या मैं उसको डिस्काउंटिंग नहीं बोल सकता और अगर बोल सकता हूं तो आप ही तो बोल रहे हो सर 115 में से वो हटा दो जो हम कमाना चाहते हैं आप 10 कमाना चाहते हो 10 हटाओ 15 कमाना चाहते हो 15 हटाओ 20 कमाना चाहते हो 20 हटाओ मतलब जितना कमाना चाहते हो उतने से डिस्काउंट कर दो हटाने को ही तो डिस्काउंट कहते हैं जितना कमाना चाहते हो उतना हटा दो मतलब जितना कमाना चाहते हो उस रेट से एवरीवन जितना कमाना चाहते हो जो आपका आर है जो आर है मतलब जो भी आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट कर दो तो जो पीवी आ जाएगा दैट बिकम्स द वैल्यू दैट बिकम्स द वैल्यू एंड प्लीज टेल मी क्या मैं बोल सकता हूं ये मैंने नहीं सिखाया ये आपको आता था आपको तो सिर्फ एक नजरिया चाहिए था उसको इस तरीके से सोचने का मेरे सवालों का जवाब दीजिए आर वी ऑल पीपल इन क्लास सुपर सेट विद वॉट एवर यू आर लर्निंग अगर मजा नहीं आ रहा है तो रिफंड मांग लो और अगर मजा आ रहा है तो अपना मोर देन हंड्रेड परसेंट क्लास में देने लग जाइए बोलो चले आगे चले आगे तो ये तो एक जनरल बात थी भाई साहब ये तो किसी भी एसेट को वैल्यू करने के से रिलेटेड एक जनरल बात थी जनरल बात थी राइट अगर हमें अगर हमें स्पेसिफिकली इस चैप्टर की बात करना है जहां पे हम डिविडेंड वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर शेयर का वैल्यूएशन सुनते हैं तो आप सुनना सुनना सुपर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में चीजों की पढ़ाई होगी और यहां पे एक रिक्वेस्ट है सिंस अब हम लोग ऑफिशियली बुक के ऑफिशियली स्टडी मटेरियल के कंटेंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑल ऑफ यू अगर आपके दिमाग में ये पूरे एएफएम पे एप्लीकेबल है बाद में बोलना भूल ना चाहूं इसलिए बता रहा हूं आपके दिमाग में जो भी पुरानी बातें हैं विद रिस्पेक्ट टू एएफएम आपको सारी की सारी अनलर्न करना पड़ेगी अनलर्न क्यों करना पड़ेगी क्योंकि हो सकता है हम जो क्लास में तरीका सीखे वो अलग हो राइट जो जिसमें मुझे कोई हेजिटेशन भी नहीं हम वो तरीका सीखेंगे जो सबसे आसान है हम वो तरीका सीखेंगे जो यूनिवर्सली किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई किया जा सके वो तरीका सीखेंगे जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव हो और जब आप दोनों तरीके साथ में लेके चलोगे ना तो जीवन हो जाएगा मेस राइट हमसे यार एक बंदी संभल नहीं रही है और आप सोच रहे हो कि सर मैं तो दो संभाल लूंगा तो जिसने एक्चुअल में दो संभाल रखी है वो ऐसा सोच सकता है अदरवाइज जो सिंगल रहे हैं जो मेरा मानना है क्लास में हर एक स्टूडेंट का एक्चुअल स्टेटस होगा बींग सी ए स्टूडेंट हम सबकी एक ही हालात होते हैं राइट जो सिंगल रहे हैं उनको तो पक्का सब कुछ अनलर्न करना ही पड़ेगा ठीक है कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम तो वैसे ही जीरो है सर आप अगर याद करने का बोलते तो भी हमें याद नहीं है तो ये तो बेस्ट केस है ये बेस्ट केस है आप सबसे जल्दी सीखोगे कूल cool? क्योंकि आपको सिर्फ भरना है तो चलो आओ क्या होगा भाई साहब अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल सुनो मैंने नहीं बोला इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस तो एक इक्विटी शेयर से फ्यूचर कैश फ्लोस में क्या कमाते हैं प्राइमरीली डिविडेंड मतलब ये वो मॉडल सीख रहे हो जहां पे इक्विटी से मिलने वाले फ्यूचर कैश फ्लोस के डिस्काउंट होंगे और एक बात कॉमन सेंस से बताना एक बात कॉमन सेंस से बताना सर सर दो पॉसिबिलिटीज आपके सामने एग्जाम में आ सकती है बहुत स्पेसिफिक दो पॉसिबिलिटीज एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड राइट right, हाँ दो पॉसिबिलिटीज आपके सामने एग्जाम में आ सकती है या तो हम शेयर या तो हम शेयर किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए होल्ड करेंगे जैसे आज हम एक शेयर खरीदना चाहते हैं जो हम पांच सालों के लिए होल्ड करेंगे या दस सालों के लिए होल्ड करेंगे एक्सेट्रा या फिर आज हम एक शेयर खरीदना चाहते हैं जो हमें एग्जामिनर बताएगा नहीं कितने सालों के लिए होल्ड करना चाहते हैं मतलब इन्फिनिटी तक होल्ड करने वाला एजम्पन लेंगे एक डेफिनेट नंबर ऑफ इयर्स मतलब नोन नंबर ऑफ ईयर एक इनडेफिनेट मतलब अननोन नंबर ऑफ इयर्स मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स तक होल्ड करेंगे कूल cool? जब डेफिनेट नंबर तक ही होल्ड करेंगे राइट right? मतलब समझो पांच सालों तक होल्ड किया तो हमें एग्जामिनर जरूर बताएगा कि फिफ्थ ईयर के एंड में जब हम उसको सेल करने जाएंगे तो उससे क्या सेल प्राइस रियलाइज होगा वो एग्जामिनर जरूर बताएगा यस yes, यस yes. तो हम बोलेंगे एवरी हम बोलेंगे हम बोलेंगे आज हमारे लिए जीरो पॉइंट पे शेयर की वैल्यू क्या है फ्यूचर 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 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश कैश फ्लोस फ्लोस तो उससे क्या क्या मिले सर one, two, three, four, five, five साल तक होल्ड किया तो अगले पांच सालों के नेक्स्ट फाइव इयर्स के डिविडेंड्स मिले और फिफ्थ ईयर के एंड में जब शेयर बेचा तो उसकी सेल प्राइस मिली तो इन पांचों इन पांचों सॉरी पांच डिविडेंड्स प्लस एक सेल प्राइस इन छे कैश फ्लो पांच सालों में ये जो हमें सिक्स फाइव कैश फ्लोज मिले इन सबका प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे विच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज द वैल्यू ऑफ शेयर राइट मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला पीवी पीवी ऑफ ऑफ टू टू थिंग्स थिंग्स एक हमें करना रहेगा पीवी ऑफ डिविडेंड्स है ना डिविडेंड ऑफ फर्स्ट ईयर डिविडेंड ऑफ सेकेंड ईयर कितने नंबर ऑफ इयर्स तक का सर जब तक का हमें एग्जामिनर का डेटा दे दे जितने नंबर ऑफ इयर्स तक का एग्जामिनर डेटा दे, दे वहां तक के डिविडेंड्स प्लस प्लस जो भी जो भी सेल प्राइस है राइट जो भी रेस्पेक्टिव ईयर के एंड की मतलब समझो पांच साल का डिविडेंड दिया और फिफ्थ ईयर के एंड की सेल प्राइस दी है उन सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू विल बिकम द वैल्यू ऑफ शेयर सर कैसे करेंगे नोटबुक में वो एक्जैक्टली exactly क्वेश्चन में पहुंचेंगे तब ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे माइंड में मोटा मोटी क्लियर हुआ अगले पांच साल के डिविडेंट और फिफ्थ ईयर के एनके सेलिंग प्राइस सबको डिस्काउंट कर देना काम खत्म डन किस रेट से करेंगे सर डिस्काउंटिंग हमेशा होती है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कोई क्लास में बताएगा कोई क्लास में बताएगा इक्विटी पे जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको क्या कहा जाता है पीपल इक्विटी में जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है जो होता है उसको आप क्या कहते हो कोई तो नाम रखा होगा यार आपने उसका सीए इंटर में एवरी वन अर्चना जाएंगे भगवान से तो डरो सीए इंटर में आपको 200 बार पढ़ाया था किसी और ने ऑब्वियसली कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर पीपल इन द क्लास इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेट किया अगर मुझे फाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स मतलब कुछ पर्टिकुलर ईयर का डेटा ना दिया हो और मुझे इन्फिनेटी तक के डिवरेंट दिए हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है यूज डिवरेंट डिस्काउंट मॉडल्स नेक्स्ट पेज से पीपल द क्लास आपके डिवरेंट डिस्काउंट मॉडल स्टार्ट होंगे कहाँ से स्टार्ट होंगे क्लास ऑन पेज नंबर ट्वेल्थ ट्वेल्थ पेज नंबर पे अगर आप देखोगे तो आपके मॉडल्स स्टार्ट हो चुके हैं मॉडल्स right, right. पे भी आएंगे लेकिन उसके पहले यह तो देख लो ये तो देख लो कि सर सर कभी भी ये फंडा तो क्लियर है ना बेसिक्स अपना कोर क्लियर है सर पीवी ऑफ फ्यूचर कैस्टलो डालना है मुझे तो और पीवी के लिए चाहिएगा केई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज केई तो एक काम करते हैं ना एक बार केई से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते ले हैं ताकि किसी भी क्वेश्चन में केई में हम लोग स्टक ना हो केई अच्छे से सीख लो क्योंकि आज के बाद पूरे एफ में आज के बाद पूरे एफ में जब भी केई लगेगा दिस इज द पेज यू विल हैव टू रेफर टू ज द पेज यू विल है इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम बोले कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से सर कैश फ्लो किसका प्लीज बताइए ये कैश फ्लो किस को बिलोंग करता है सर इक्विटी शेयर होल्डर को क्योंकि वैल्युएशन भी तो उनका कर रहे हैं वो कैश फ्लो जो इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करता है उस पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किसका लेना पड़ेगा उन्हीं का लेना पड़ेगा तो उनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी

सबसे पहला मेरा जो तरीका दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज बेस्ड ऑन सी ए पी एम आप में से क्लास के हर एक स्टूडेंट के ब्लड में है ये फॉर्मूला ब्लड में फॉर्मूला एक बार प्लीज जोर से चिल्ला के बता सकते हो वॉट अकॉर्डिंग टू सी ए पी एम इज द कैलकुलेशन ऑफ के बोलो 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 ये तो भाई साहब हम सबके खून में होना चाहिए ठीक है एवरी वन पक्की बात है हम सबके खून में होना चाहिए ये चीज यस yes. बहुत सिंपल आर एफ आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ प्लस बीटा इंटू बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल आर माइनस आर एफ सर इसका डिटेलिंग इसका लॉजिक वगैरह सब जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में राइट right? इसका जो डिटेलिंग है वो कहां जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में लेकिन उससे रिलेटेड वो बातें वो बातें जो आपको यहां जानना जरूरी है वो जान लो पहली बात सर आर एम माइनस आर एफ को क्लास में कौन बताएगा कि आर एम माइनस आरएफ को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है एवरी वन मार्केट रिस्क प्रीमियम आर एम माइनस आर एफ को कहा जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम और और बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ को कहा जाता है चलो वो वाला तो ईजी था बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ बता दो तो मान जाऊंगा अगर आपको इतना ही भरोसा है खुद की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे तो बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ बता दो जिसने भी इस सवाल का जवाब दिया उसको कैश में पांच करोड़ रुपए का इनाम देने का सोचा जाएगा बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ पीपल इन द क्लास सिक्योरिटी एवरी वन सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम चलो भाई डन बात ये बात क्यों जान रहे हो यार इंस्टीट्यूट आरएम और आर एफ नहीं देता है हमेशा कभी मार्केट रिस्क प्रीमियम वर्ड बोल देता है तो हमें पता है ना वो नंबर को कहां रखना है कभी सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम वर्ड बोल देता है तो हमें पता है ना कहां रखना है एक कॉमन सेंस की बात बताऊं कॉमन सेंस की बात बताऊं रिटर्न फ्रॉम मार्केट और रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी सॉरी रिटर्न फ्रॉम मार्केट और रिस्क फ्री रेट किसी सिक्योरिटी के नहीं होते हैं मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटी है सबके लिए कॉमन होते हैं करेक्ट मतलब मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर एग्जांपल आरएम है टेन परसेंट फॉर एग्जांपल आरएफ है सिक्स परसेंट तो मार्केट रिस्क प्रीमियम जो फोर परसेंट है वो मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटी सबके लिए कॉमन होता है सेम होता है लेकिन लेकिन बीटा हर सिक्योरिटी का अलग अलग होता है क्लास में जो लोग ए एफ एम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्लास में जो स्टूडेंट्स ए एफ एम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सर आपको अभी पता नहीं चलेगा बीटा क्या होता है क्योंकि उसका डिटेलिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में है कूल, cool, कुल cool. लेकिन बीटा ये जान लो कि बीटा हर सिक्योरिटी का अलग अलग होता है तो मार्क बीटा हर सिक्योरिटी का अलग होता है सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम हर सिक्योरिटी का अलग होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम सारी सिक्योरिटी का कॉमन सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम हर सिक्योरिटी का अलग अलग आई क्लियर और फर्स्ट टाइमर वालों बेटर है लिख लो आरएफ का मतलब लिख लो रिस्क फ्री रेट चीजें बहुत ऑब्वियस है आर एम का मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्लियर कूल ये सीएपीएम की मदद से फाइंड आउट करने का आउट करने का पहला तरीका एंड लेट मी टेल यू ये हमेशा होगा प्रेफरेंस वन मतलब हम कई फाइंड आउट करने के ओ oh माय भाई साहब भाई साहब नहीं 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 रुको रुको सुनो इधर आओ इधर आओ इधर आओ एक सेकेंड आज थोड़ा सा आपसे क्लैरिटी लेना है सुनो एक दो तीन ये तीन तरीके हैं जिससे आप के ही कैलकुलेट कर पाओगे पूरे सी ए फाइनल ए एफ एम में डन सिर्फ ये तीन तरीके जिसकी मदद से आप के ही कैलकुलेट कर पाओगे तो ये तीन आपके पास ऑप्शन है क्या कि तीनों में से जो मन हो वो लगा सकते हैं बताना जरा आर दीज थ्री ऑप्शन इज इट दैट यू कैन चूज एनी वन यू वॉन्ट नो नो दे आर प्रेफरेंसेस ये वर्ड सुन रहे हो क्या ये प्रेफरेंसेस है प्रेफरेंसेस है आपका हमेशा पहला प्रेफरेंस होना चाहिए के ही कैलकुलेट करने का सी ए पी एम का तरीका हवेवर एग्जाम में ऐसे कुछ हालात बन जाए कि एग्जामिनर आर एम नहीं दे रहा है आर एफ नहीं दे रहा है बीटा नहीं दे रहा है कुछ भी ऐसा नहीं दे रहा है तो ही आप नीचे वाले पे आ सकते हो और अगर अगर डायरेक्टली नीचे वाले पे आ गए तो भगवान इस चीज के लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा ये पाप करने के लिए भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा हमेशा यह सीक्वेंस में ही आपको चलना है All right, दूसरा तरीका गॉर्डंस फॉर्मूला गोडन फॉर्मूला एक तरीका मैं लिखा रहा हूं सुनो सुनो वैसे अपन डिटेल में पढ़ेंगे वैसे अपन डिटेल में पढ़ेंगे बट प्लीज बताना क्या आप सब ने आप सब ने आप सब ने सी ए इंटर में ये वाला फॉर्मूला देखा है क्या इक्वल्स टू डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस जी डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस जी क्या आप सभी ने मेरे प्रिय भाइयों ये दिखाए क्या तरीका देख क्या रहे हो? है ना? ये कई कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका इसका लॉजिक बहुत सिंपल है इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि सर सर एक शेयर होल्डर को जो टोटल रिटर्न चाहिए एक शेयर होल्डर को जो टोटल रिटर्न चाहिए मेड अप ऑफ टू थिंग्स वो टोटल रिटर्न दो तरीके से कमाता है पहला से और दूसरा कैपिटल गेन से पहला से और दूसरा कैपिटल अप्रीसिएशन से तो डिविडेंड से जो उसने रिटर्न कमाया दैट इज डी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो मतलब पी जीरो इन्वेस्ट करके उसने कितना कमाया डी कमाया पहला रिटर्न और दूसरा रिटर्न कैपिटल एप्रीसिएशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ विच इज हाउ विच इज हाउ दिस के ई इज अराइव्ड एम आई क्लियर लॉजिक में इतना जाने की जरूरत नहीं बट कॉमन सेंस ताकि आपके दिमाग में स्टोरी रहे कि हाँ यार दिस इज द अर्निंग और शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिवरेंट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन विच इज द प्राइस एप्रिसिएशन विच इज द अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्राइस अगर 100 का 115 हुआ तो हम वही तो कहते हैं ना 15% परसेंट का प्राइस में ग्रोथ मतलब 15% परसेंट का कैपिटल गेन मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन राइट ठीक है अब सुनो ये क्या फंडा है सर यहां पे तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक वर्ड जिसका नाम है फ्लोटेशन कॉस्ट देखो देखो मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूं उस कंपनी का के फाइंड आउट करना है तो सर क्या वो कंपनी जिसके लिए आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइन कर रहे हो उसके इक्विटी शेयर को देख के बताइए एवरीवन उसके इक्विटी शेयर को देख के बताइए कि क्या उसका इक्विटी शेयर मार्केट में नया इश्यू हो रहा है या फिर इज इट अ न्यू इश्यू या फिर पहले से एग्जिस्ट करता है पहले से एग्जिस्ट करता है और वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है पीपल अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और मार्केट में ट्रेड हो रहा है राइट right? तो हमें लेना पड़ेगा पी जीरो पी जीरो मार्केट में इस प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा है और पहले से एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी नई इश्यू हो रही है मतलब डू यू अग्री नई सिक्योरिटीज जो इश्यू होती है उसमें एक फ्लोटेशन कॉस्ट होता है शेयर इश्यू करने के लिए कंपनी ने हंड्रेड की इश्यू प्राइस पे शेयर इश्यू तो किया लेकिन उसमें टू परसेंट उनकी फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई और उन तक जो मिला वो सिर्फ नाइनटी एट मिला या ना फ्री फ्लोट शेयर नहीं सुमित फ्री फ्लोट शेयर नहीं हां आप समझ रहे हो इन दो कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करो कंफ्यूज हो जाओगे फ्री फ्लोट शेयर मतलब जो मार्केट में शेयर इन जनरल ट्रेड हो रहे हैं अब वो प्रमोटर के हो फ्री फ्लोट हो उनकी बात नहीं चल रही जो मार्केट में शेयर पहले से ट्रेड हो रहे हैं उनके लिए फॉर्मूला है डी वन बाय पी जीरो लेकिन अगर कोई शेयर पीपल इन द क्लास अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट हर किसी को शो करना है डू यू रियलाइज कि अगर मार्केट में कोई सिक्योरिटी नई इश्यू हो रही है तो हंड्रेड का इश्यू प्राइस था लेकिन दो परसेंट अगर कॉस्ट इश्यू से रिलेटेड कॉस्ट लग गई सभी के चार्जेस लग गए ब्रोकरेज चार्जेस लग गए तो नेट नेट तो नाइनटी एट मिलेगा ना तो उस केस में हम बोलेंगे कि के यार के टोटल कॉस्ट कंपनी के लिए कितना है सर कंपनी को डी इतना तो डिविडेंट देना है बट वो डिविडेंट देने के लिए इतना कंपनी को डिविडेंड कमा के देना है बट वो कमा के देने के लिए कंपनी को रुपया कितना मिला कितना कैश मिला कंपनी जिसके ऊपर कंपनी को इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है सर वो जो मिला ना उसको कहते हैं नेट प्रोसीड उसको कहते हैं नेट प्रोसीड और प्लस ग्रोथ मतलब प्राइस की जगह जो प्राइस मार्केट में है उसकी जगह हमने इस बार क्या मिला लिया कंपनी तक कितना पहुंचा और कंपनी को जो नेट प्रोसीड पहुंचा ना उसका कैलकुलेशन पता है क्या है उसका कॉमन सेंस कितना सिंपल है नेट प्रोसीड मतलब सर इश्यू प्राइस क्या था शेयर का फेस वैल्यू था सौ रुपया इमेजिन करो इमेजिन करो शेयर का फेस वैल्यू था सौ रुपया सौ रुपए के फेस वैल्यू को कंपनी ने सोचा बारह सौ रुपए इश्यू करते हैं लेकिन इश्यू प्राइस के में से हमें माइनस करना पड़ेगा फ्लोटेशन कॉस्ट तो 1200 में हमने शेयर इश्यू किया लेकिन समझो 2% फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब ट्वेंटी फोर हमारा खर्चा हो गया इश्यू करने का ही खर्चा हो गया तो 1200 सो में से 1200 में से जब मैं ट्वेंटी फोर का फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करूंगा तो पता चलेगा कि मुझे नेट नेट कितना मिला और कंपनी को इस नेट अमाउंट पे डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसको ग्रो करके भी दिखाना है प्रेरणा दैट विल बी एज अ परसेंटेज ऑफ इश्यू प्राइस एवरी वन बोलो यार सेटल्ड हो क्या क्लास में हर एक बारीकी आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच पा रही है पीपल इन द्लास एवरी वन एवरी वन क्या डिटेलिंग्स पहुंची क्या आप तक क्योंकि खेल तो डिटेलिंग में ना यार ऊपर ऊपर से तो आपको पहले भी आता था फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इश्यू करने से रिलेटेड एक्सपेंस चले आगे चले आगे एंड लास्ट एंड लास्ट जिसका नाम है अर्निंग सील्ड भाई साहब भाई साहब अर्निंग सील्ड मैंने आपको कल के लेक्चर में मतलब फ्राइडे के लेक्चर में एक बात बताई थी कि जहां भी यील्ड वर्ड आ जाए वर्ड आ जाए विच मींस दैट कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन वॉट एम पी एस मतलब सर अर्निंग्स यील्ड यील्ड का मतलब होता है रिटर्न बट दैट रिटर्न का वो कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन एम पी एस राइट तो अर्निंग्स यूल्ड मतलब अर्निंग्स का रिटर्न अर्निंग्स का रिटर्न ऑन वॉट अर्निंग्स का रिटर्न ऑन वॉट अर्निंग्स का रिटर्न मतलब ईपीएस डिवाइडेड बाय पीपल इन द क्लास एम पी एस मतलब में तो तो आएगा का बहुत सारी चीज़ पे हो सकता था रिटर्न ऑन इक्विटी भी हो सकता था लेकिन डिनोमिनेटर में इक्विटी का बुक वैल्यू ले रहे हैं या फिर इस बार मार्केट वैल्यू ले रहे हैं पीपल मार्केट वैल्यू ले रहे हैं एमपीएस ले रहे हैं पर सर ये फॉर्मुला तो देखा हुआ लग रहा है यार अपनी बुक के फर्स्ट पेज पे अपनी बुक के फर्स्ट पेज पे ही आउटस्कैनर के आउट नोट्स के फर्स्ट पेज पे हमने फॉर्मुला कहीं लिखा था बेसिक रेशियोज के वहां पे कहीं पे एम पी एस डिवाइडेड बाईपीएस यहां ईपीएस डिवाइड बाय एम पी एस है हमने कहीं पे एम पी एस डिवाइड लिखा था वो क्या था वो क्या था सर एम पी एस बाईपीएस जो था ना एम पी एस बाईपीएस था वो तो सर पी रेशियो था वो था पी रेशियो सर अर्निंग सील्ड क्या है ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस तो क्या सर क्या सर मैं अर्निंग भी बोल सकता हूं क्या मतलब सर क्या थर्ड वाली मेथड में ऑटोमेटिकली मेरी फोर्थ मेथड छुपी हुई है क्या अर्निंग सील्ड मतलब वन बाय पी से भी मेरा के का कैलकुलेशन आ सकता है क्या सर जवाब है जवाब है हाँ चंदन कह रहे सर एनी सिमिलैरिटी कंपेरिजन बिटवीन पी जीरो एंड नेट जीरो नहीं जो शेयर पहले से मार्केट में ट्रेड हो रहा है समझो मार्केट में एक शेयर का प्राइस है बारह सौ रुपये वो बारह सौ रुपये ट्रेड हो रहा है फाइन कंपनी और शेयर इश्यू करना चाहती है तो वो इश्यू प्राइस जो रखेगी कंपनी राउंड बारह सौ रुपए रखेगी समवेयर अराउंड ट्वेल्व रखेगी नॉट तो वो माइनस करने के बाद जो भी नेट प्रोसीड आएगा वो हमें कंसिडर करना है चंदन कुड आई गिव यू दैट क्लैरिटी प्लीज हाँ, या फिर ना में? अपना जवाब दे दीजिए चंदन स्पेसिफिकली चलिए सर मतलब इक्विटी मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए तीनों प्रेफरेंसेस आपके सामने वन टू एंड थ्री क्लियर है इसके बियॉन्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कुछ नहीं होगा और अगर कहीं होगा तो हम यहां लाके प्रेफरेंस फोर उसको बना देंगे पहली बात दूसरी बात सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेकिन एन लेट मी टेल यू पूरे ए एफ एम में पूरे ए एफ एम में हालांकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दो अलग अलग चीजें हैं ये आप जान चुके हो बेसिक्स में ये आप जान चुके हो बेसिक्स में कि रिक्वायर्ड रेट रेट ऑफ ऑफ रिटर्न रिटर्न और एक्सपेक्टेड अलग अलग होता है पहले का मतलब होता है हमें कितना चाहिए हमारी नीड हमारी वॉन्ट दूसरा होता है एक्सपेक्टेड होता है कि हमें क्या लगता है कि हमारे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग हम कितना कमा पाएंगे लेकिन 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 सी ए फाइनल ए एफ एम के क्वेश्चन में इन दो टर्मिनोलॉजीज को इंटरचेंजिबली यूज किया जाएगा इंटरचेंजिबली मतलब एग्जामिनर वैल्यूएशन का क्वेश्चन देगा अब वैल्यूएशन के क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेकिन एग्जामिनर वर्ड यूज हमें चाहिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सॉरी हमें चाहिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनर वर्ड क्या यूज कर देगा कि माई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज ट्वेल्व परसेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर तो वहां ऐसा मत बोल के आ जाना कि आपने रिक्वायर्ड नहीं दिया हमें तो रिक्वायर्ड चाहिए उस एक्सपेक्टेड को ही एक्सपेक्टेड को ही जो भी आपको में रेट दिया रहे उसको रिक्वायर्ड मानना है क्या लॉजिक है वो मैं सोच रहा हूं हमारे लिए अभी इस बैच में जरूरी नहीं है लेट्स कीप इट एग्जाम ओरिएंटेड कूल एवरी वन प्लीज है ना दिस इज हाउ इट इज सुमित वॉल्टर मॉडल से कभी भी कहीं का कैलकुलेशन नहीं आएगा अनलेस वो वॉल्टर का ही स्पेसिफिक क्वेश्चन हो ठीक है चलिए तो ये वाली चीज डन सर अब फाइनली 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 वी आर कमिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडल विच इज जीरो ग्रोथ मॉडल या फिर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल उसके पहले एक क्लैरिटी ले लो भाई साहब भाई साहब तीन मॉडल्स हैं चार मॉडल्स इनफैक्ट जीरो ग्रोथ मॉडल कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल वेरिएबल ग्रोथ मॉडल और एच मॉडल चार मॉडल है इन टोटल चार मॉडल है ये चारों मॉडल सिर्फ तब ही सिर्फ और सिर्फ तब ही लगाए जा सकते हैं जब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स वाले जोन में आ चुके हो क्योंकि अगर डेफिनेट नंबर ऑफ इस का आपके पास डेटा है डेफिनेट नंबर ऑफ का डेटा है तो मॉडल तक जाने की जरूरत नहीं, नहीं है सिंपली आपके डिविडेंट और सेलिंग प्राइस को डिस्काउंट कर देना लेकिन अगर इन्फिनिटी तक का डेटा दिया है आप मुझे कॉमन सेंस बताओ यार नहीं नहीं आप बताओ 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 ये बताओ अगर पांच साल का डेटा है ना तो मैं मैनुअल डिस्काउंटिंग कर लूंगा इन्फिनिटी तक के डेटा को आप मैनुअल डिस्काउंटिंग कर सकते हो क्या हाथ से कैलसी की मदद से क्या इन्फिनिटी तक के डिविडेंड को डिस्काउंट कर पाओगे एक साल का दो साल का तीन साल का चार साल का पांच साल का सौ साल का दो हजार साल का दस लाख साल का दो करोड़ साल का उससे भी बड़ा होता है Infinity तो उन सबको मैन्युअली डिस्काउंट नहीं कर सकते और जब मैन्युअली नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे मैथ्स फॉर्मुला और वही चीज अब आप सीखने वाले हो ऑल राइट right? मतलब आप किसको रिलेट करो रिलेट करो आपको याद है हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पेचुटी परपेचुटी एवरी वन परपेचुअल एनटी परपेचुअल एन्यवर मिलने वाले अमाउंट को फॉर मिलने वाली एन को परपेचुटी कहते थे वो कॉन्सेप्ट लगेंगे अब यहां पर आयु ओके चलिए चलिए पहले टाइप का मॉडल सर ये अलग अलग मॉडल कैसे एक्चुअल में अपने क्या है मेरे दोस्त डिविडेंड का पैटर्न ऑब्जर्व करना है मतलब मतलब क्या सर हमें सेम डिविडेंट ऑफ दस रुपया मिलने वाला है क्या हर साल टिल इंफिनिटी मतलब इज इट अ कांस्टेंट डिविडेंट एवरी ईयर यस इज इट अ ग्रोथ मॉडल इन योर डिविडेंट यस मतलब डिविडेंट का पैटर्न ऑब्जर्व करना ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कहां जाना है सेकेंड सर कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल पहले साल का डिविडेंड दस रुपया दूसरे साल का बिकॉज ऑफ टेन परसेंट ग्रोथ ग्यारह रुपया ट्वेल्व यस कॉन्स्टेंट ग्रोथ टिल इंफिनिटी यस दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉर्डेंस मॉडल डिविडेंड का पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे और रेस्पेक्टिव मॉडल में चले जाते जाएंगे फर्स्ट मॉडल है कॉन्स्टेंट ग्रोथ ग्रोथ जीरो मॉडल मॉडल कांस्टेंट डिविडेंड मुझे नहीं सिखाना आप खुद बताओ इफ डी इज द अमाउंट ऑफ माय डिविडेंड विच आई एम एक्सपेक्टिंग टू रिसीव टिल और उन सारे डिविडेंड का बेसिक क्या है व्हाट इज द बेसिक एवरी वन फंडामेंटल रूल ऑफ वैल्यूएशन वो मत भूलो फंडामेंटल रूल ऑफ वैल्यूएशन बोल के बताना चैटबॉक्स में सब लोग वॉट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ वैल्युएशन People, people, what is the fundamental rule of valuation? PV, PV of future cash flows. पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस सर जीरो पॉइंट पे अगर हम खड़े हो जीरो पॉइंट पे अगर हम खड़े हो और जीरो पॉइंट पे खड़े होकर देखना चाहें कि ये जो डिविडेंड्स इंफिनिटी तक मिलते चले जा रहे हैं उन फॉर मिलने वाले डिविडेंड्स का आज पीवी कितना तो सर ये कांस्टेंट डिविडेंड को क्या मैं एनविटी बोल सकता हूं हाँ और एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू सीखी थी ना कितनी थी सर कितनी थी उसकी वैल्यू थी सर ए बाय आर ए बाय आर करेक्ट तो उसको हमारे केस में वॉट इज ए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेट करते हो या तो आप उसको इंटरसिक वैल्यू बोल सकते हो या फिर पी से प्राइस बोल सकते हो एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं जिसका नाम है इंटरनसिक वैल्यू ध्यान से सुन लो देखो एक होता है जो मार्केट में एक्चुअल प्राइस है एक होता है जो मार्केट में एक्चुअल प्राइस है व्हाट इज एक्चुअली द द प्राइस इन मार्केट मतलब आज अगर मैं अपना स्टॉक एक्सचेंज पे जाके देखता हूं TCS के शेयर का प्राइस प्राइस देखता हूं दैट इज द बट डज दैट मीन के प्राइस होना भी यही चाहिए टीसीएस के शेयर की सही वर्थ क्या है वॉट शुड बी द प्राइस ऑफ टीसीएस वॉट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ टीसीएस वॉट इज इन द मार्केट इज प्राइस बट वॉट शुड बी द वैल्यू राइट इज इंटरेंसिक वैल्यू ये दोनों वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर द दर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन है ना जब आपको ऐसा लगेगा अलग अलग है तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आप पी जीरो बोलो इंटरेंसिक वैल्यू जीरो बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर ये अब अब यहां से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्टार्ट होती है यहां तक तो आपको भी पता था लेकिन क्लास में आप क्यों आए हो यहां तक के लिए नहीं इसके बियॉन्ड के लिए वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मजाक आपको चखना है आ जाइए सर पहली बात ये भी पता है चलो ये भी पता है यार सर क्या बात कर दी आपको क्या लगता है हमें इतना बेसिक भी नहीं पता क्या हमें सर इतना बेसिक भी नहीं पता कि जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज के डिस्काउंटिंग कर रहे हैं वो जीरो पॉइंट पे कर रहे हैं मतलब आंसर में आई वी जीरो या पी जीरो आएगा पता है भाई पता है मतलब दिस इज कैलकुलेटिंग आई वी जीरो और पी जीरो लेकिन पता है क्या Most important conceptual clarity is that for the purpose of discounting, for the purpose of discounting, which is the first dividend you discount? Which is the first dividend discount? Is it the dividend of zero year or it is the dividend of first year? Is it the dividend of zero year or it is the dividend of first year? Which is the first dividend you discount? Is the conceptual clarity that you all need to have, people in the class? It is people in the class. फर्स्ट डिविडेंट दैट यू डिस्काउंट इज वॉट गिवस यू दी वन जब हमने बोला फ्यूचर कैश लो मतलब बाई के आप में से सबको सब इसका सही भी पता था लेकिन उसके लिए मैं, मुझे पहले क्वेश्चन रेज करना पड़ा वॉट वेदर आई शुड टेक डी और आई शुड टेक डी वन डिवाइडेड बाय के मतलब 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 इससे ये समझ में तो आता है कि दिमाग तो सब में है इंटेलेक्ट में इंटेलेक्ट की आपके अंदर कोई कमी नहीं ब्रिलियंट तो आप सब हो बस आपको कोई हाथ पकड़ के अगर सही डायरेक्शन दिखा देना तो मजाक नहीं कर रहा हूं यार हम लोग ए एफ में किसी भी हाल में सिक्सटी प्लस सेवेंटी प्लस एटी प्लस के टारगेट्स रख सकते हैं आप सबको ये चीज पता है इनफैक्ट आप में से कोई स्टूडेंट यह भी सोचेगा कि सर आप में ही दिमाग कमे लगता है लगता है अपने सर में ही दिमाग कम है जब सारा ही डिविडेंड मेरे भाई दस दस रुपए का है सारा ही डिविडेंड दस दस रुपए का है तो क्या फर्क पड़ता है मैं डी जीरो लू या डी वन लू या फिर कौन सा डी लू मतलब यहां तो दस ही रखाएगा ना है कि नहीं फर्क पड़ता है फरक पड़ता है एक दिन एक क्वेश्चन आएगा एक दिन एक क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको कैश फ्लोस को डिस्काउंट करके और पीछे ले जाना पड़ेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह वाला दस रुपया डिस्काउंट हुआ हुआ कि कि नहीं क्योंकि जब आप जीरो पॉइंट पे खड़े हो तो आपको पता चलना जरूरी है कि पहला कैश फ्लो जो इस फॉर्मूले से डिस्काउंट होता है वो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है जीरो ईयर पे अगर कोई कैश फ्लो रखा है ना तो दैट इज येट टू बी डिस्काउंटेड एम आई क्लियर तो लिख लो ना लिख लो ना मतलब मतलब d1 से लेके ये फॉर्मूला क्या करके देगा ये हमें प्रेजेंट वैल्यू करके देगा यहां जो लिखा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमें प्रेजेंट वैल्यू करके देगा कहां से कहां तक की सर d1 से लेकर D इंफिनिटी तक की प्रेजेंट वैल्यू करके देगा ये फॉर्मूला हमें आर वी हंड्रेड परसेंट क्लियर विथ वॉट एवर यू आर लर्निंग एवरी वन एंड इतना करने के बाद भी शायद हम अभी किसी क्वेश्चन पे सॉल्व नहीं करने जा सकते क्योंकि इतना इजी है है कि पर्टिकुलरली इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बट ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में मर्ज होके जरूर आ जाएगा कैन वी कम टू अ अन्सेप्ट जो डिवरेंट वैल्यूएशन मॉडल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें जिसके करने विच इज कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल जिसका नाम है गॉडन्स मॉडल एवरी और यहां भी आपका दिमाग खोल देने वाला हूं मैं बोलो आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि अब एनर्जी नहीं बची एवरी यार क्लास में जिंदा कितने लोग हैं वो बात करो पीपल हेलो आह लगता है रिफंड चाहिए क्या सीन है रिफंड चाहिए तो बोल दो डबल रिफंड की स्कीम आई है पांच हजार के कोर्स के बदले दस हजार का रिफंड सुनो मेरी बात दो मिनट के लिए सांस लेने का टाइम मुझे चाहिए ठीक है तो हम सेटिंग हेयर ओनली सेटिंग हेयर ओनली लेकिन दो मिनट तो चाहिए ठीक है जब तक आप लोगों को भी पानी पी लो दो मिनट का ब्रेक एट <laughs> <laughs> स्माइल स्माइल ने जो मैसेज किया उसको डिलीट करना पड़ेगा इमीडिएटली अदरवाइज मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा और स्माइल को ब्लॉक करना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए स्माइल कह रहे हैं सर डबल रिफंड कर दो दस हजार में से पांच हजार का फिर खरीद लेंगे स्कीम चलिए <laughs> ब्रेक ओवर। ब्रेक ओवर आ जाओ भाई वापस जीवन की सच्चाई में उतर आइए वापस <laughs> ट ग्रोथ मॉडल सो सोबिया है है ना देखिए सर सर फंडा तो सेम है फंडा तो सेम है हमें क्या करना है इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है या फिर पी जीरो कैलकुलेट करना है और उसका फॉर्मूला सर सी ए इंटर में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हो है ना तो फॉर्मूला तो लिखते हैं फॉर्मूला तो लिख लेते हैं उससे रिलेटेड फर्दर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपना मेन डिस्कशन है क्लास क्लास का फॉर्मूला तो आप में से हर किसी के खून में मतलब सी ए के बाद पूरे एफ में जो फॉर्मूला आपके खून में पहले से है वो यही है दैट डी वन डिवाइडेड बाय के ई माइनस डी वन डिवाइडेड बाय के ई आपके खून में बस पहले से यही एक फॉर्मूला है यस yes? जहां पे जहां पे डी वन का मतलब क्या है उसमें क्या समझाने की जरूरत है क्या लिखने की जरूरत है इट्स इज डिवरेंट ऑफ ईयर वन और जी का मतलब होगा ग्रोथ रेट इनफैक्ट इसके लिए वर्ड लिखते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ रेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट डन मतलब ये फॉर्मूला क्या कर रहा है और ये फॉर्मूला कब लगता है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट डेटा है जब भी आपके पास डिविडेंड का कुछ इस तरीके से डेटा है, है जहां पे आपका डिविडेंड पहले साल से ही पहले साल से ही इंफिनिटी तक इंफिनिटी तक एक कांस्टेंट रेट एग्जाम्पल एट परसेंट फॉर एग्जाम्पल टेन परसेंट से ग्रो करता चला जाए आपका डिविडेंट डिविडेंट कॉन्स्टेंट रेट से ग्रो करता चला जाए इंफिटी तक तो हम ये मॉडल लगाते हैं और उस मॉडल का फॉर्मूला है ये ये फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या करके देता होगा कोई क्लास में बताएगा कोई बताएगा क्लास में डी वन डिवाइडेड बाई के फॉर्मूला क्या वैल्यू दे रहा होगा इज इट गिविंग टू मी वॉट इज इट गिविंग टू मी क्लास रिक्वेस्टिंग योर रिस्पॉन्स बोलिए अगेन बी गिविंग टू मी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी वन डी टू ऐसे करके डी इन्फिनिटी तक के सारे डिवरेंस सारे डिवरेंस राइट फ्रॉम डी वन टिल डी इन्फिनिटी तक के जो भी ग्रोइंग डिफरेंस है d1 से लेके d इंफिनिटी d1 से लेके d इंफिनिटी तक के जो भी ग्रोइंग डिफरेंस है उन सारे ग्रोइंग डि मतलब इंफिनिटी तक ग्रो किए गए सारे डिफरेंस की प्रेजेंट वैल्यू इस फॉर्मूले की मदद से आ जाती है मतलब ऑब्जर्व करने वाली चीज सबसे पहली बात है ना अब लाइन से ऑब्जर्वेशन का टाइम आया सर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ किसका बोलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स बोलता है ऑलराइट right, जिसमें पहला डिविडेंड क्या होगा d1 होगा मतलब इस फॉर्मूले से डिस्काउंट किया गया पहला डिविडेंड क्या होगा d1 होगा मतलब क्या इस फॉर्मूले को d0 से कुछ फर्क पड़ता है क्या इस फॉर्मूले को d0 से कुछ भी फर्क पड़ता है नहीं फर्क पड़ता पहली बात दूसरी बात मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है डी वन इंपॉर्टेंट है ना कि डी जीरो पहली बात दूसरी बात सर, ये ग्रोथ जो है या कंपनी के डीपीएस की ग्रोथ रेट है प्लीज पीपल इन क्लास ये कंपनी के ईपीएस की ग्रोथ रेट है या कंपनी के डीपीएस की ग्रोथ रेट है? है, है या फिर सर ईपीएस और डीपीएस की ग्रोथ रेट हमेशा सेम होगी Choose one. It is a growth rate of EPS. It is a growth rate of DPS. Third thing, growth rate of EPS will always be equal to in any situation the growth rate of DPS. Option one, option two, option three. Option one, option two, option three. Third option first. Is on low growth rate of EPS will always and always be equal to the growth rate of DPS. आप में से जिस जिस को लगता है ऑप्शन थ्री आप सब गलत हैं ऑप्शन ए तो किसी को भी नहीं लगता होगा इट इज ऑप्शन टू पीपल इन द क्लास जी हियर इज द ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स आज तो आपके कॉन्सेप्ट खोल के ही रहने वाला हूं मैं ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड तो चलो भाई जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इट इज अ ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड सुपर अप्रिशिएबल मेरा सल्यूट आपको लेकिन डिविडेंड फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर सर

टेस्ट ज़्यादा ले रहे हो सवालों के जवाब देते जाओ और जो लोग जितने जवाब देंगे उतना दिमाग उनका दिमाग उतना खुलेगा उनके लिए उतना आसान होगा जिस जिसको लगता है ट्रू फिर से गलत माई गॉड यार जब मैं आपको गलत बोलू ना इट इज मस्ती आप डिप्रेस नहीं होने का इससे भाई साहब सीखने ही तो आए हो अगर आता सब कुछ तो फिर यहां थोड़ी आते अगर सब कुछ आता तो यहां थोड़ी ना आते नहीं आया इसीलिए आया ना तो मस्ती है खुद को अभी इवैल्यूएट नहीं करने का अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होने का आज आ गया अब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा सुनी क्या बात सर डी जीरो डी जीरो को मेरी वैल डी जीरो से मेरी वैल्यू को मेरे पी जीरो मेरे इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो जो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं इससे तो मेरे डी इसको तो मेरे डी से फर्क भी नहीं पड़ता मेरे लिए मेरा वैल्यूएशन के लिए पहला डिविडेंड होता है D1 और आखिरी डिविडेंड होता है D इन्फिनिटी और जो ग्रोथ रेट मैटर करती है वो d1 से लेके D इन्फिनिटी तक की ग्रोथ रेट मैटर करती है जीरो से वन की ग्रोथ रेट कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता वन से लेके इन्फिनिटी तक की अगर ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट है तो ये मॉडल लगाने से आपको भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। क्या आपको इस बात का रियलाइजेशन हुआ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ डिवरेंस पॉइंट नंबर वन ऑफ डिवरेंस ऑफ डिवरेंस फ्रॉम डी वन टिल डी इंफिनिटी आने तो आपको बोला ही था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बारीकियों में है ब्रॉडली तो रिविजन वीडियो भी अवेलेबल है ना यार यूट्यूब पे पर रिविजन वीडियो में बारीकी ऑल दो अपने रिविजन वीडियो में बोल रखी है मैंने सारी बारी बट 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 क्या आप में से हर किसी स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो गई कि ग्रोथ कहां से कहां तक की मैटर करती है डी वन से लेके डी इंफिनेटर तक की उसके बीच का मैटर नहीं करता लेकिन सर लेकिन सर आप तो झूठ बोल रहे हो हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जिसको आप भी डिनाई नहीं करोगे विच इज डी जीरो इन टू वन प्लस जी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय माइनस जी हम सब ने फॉर्मूला पढ़ चुका है और इससे आप भी सर डिनाई नहीं कर सकते इट इज अ फैक्ट दैट दिस इज अ फॉर्मूला ट्रू लेट मी टेल यू फॉर्मूला ऑफिशियली ये है ही नहीं फॉर्मूला तो ऑफिशियली यही है हमें डी वन ही मैटर करता है लेकिन अगर डी वन ना दिया हो अगर डी वन ना दिया हो तो उस केस में हम डी वन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उस डीवन का यूज करके वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड आउट करते हैं लेकिन दैट नॉट मीन दैट दिस इज द फॉर्मूला इन द एब्सेंस ऑफ डीवन लाइक दिस ऑल राइट ऑल राइट सर ये तो वो कॉन्सेप्ट जो हम इंटर में पढ़ चुके थे अभी तो खुलना चालू हुआ है खुलना चालू हुआ है सुनते चले जाओ सर पहली बात पहली बात ये छोड़ो पर एग्जाम पर्सपेक्टिव में इसका कोई काम नहीं है ये ये जो है ना बहुत जरूरी बॉस इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। पहले काई बड़ा नहीं होगा तो, हो जाएगा, जो है। तो, ये बात तो हो गई दूसरी बात सर फॉर्मूले में डी है ऑब्जर्व करके चलना डी है डी नहीं है राइट तो सर अगर एग्जामिनर बोलता है एग्जामिनर बोलता है कि डिविडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रूपीज थ्री डिंट इज पीपल इन द क्लास एक्सपेक्टेड टू रूपीज थ्री कंपनी विल पे डिवरेंट ऑफ रुपीज थ्री डी वन कंपनी हैज पेड हैज अनाउंसड हैज डिक्लेयर्ड डी जीरो वर्ड्स से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बट बट कंपनी पेज अ डिफरेंट कंपनी पेज अ डिफरेंट मतलब वो न फ्यूचर की बात कर रहा है ना पास्ट की बात कर रहा है वो इन जनरल बोल रहा है pays a तो उस केस उसके आप क्या करोगे इफ द लैंग्वेज इज अनक्लियर देन अज्यूम द डिफरेंट गिवेन डिवेरेंट टू बी डी वन क्लियर सर क्या ये इंस्टीट्यूट ने कहीं उसके स्टडी मटेरियल में लिख के दिया है नहीं हमने इंस्टीट्यूट के के exam, के मटेरियल आरटीपीज़, एमटीपीज़, एग्जाम पेपर सारे को ऑब्जर्व किया किया और उससे कंक्लूड कि अच्छा दे 100 no. you will find one or two जहां ऐसा कुछ नहीं हो पाया बट वैसे भी अपने पास कोई चॉइस नहीं आप घर से क्वेश्चन याद रख के नहीं जा सकते कहा डीवन कहा दूसरी बात तीसरी बात ऑब्जर्व करने वाली सर जब हम डी वन लेते हैं ना जब हम डी वन लेते हैं तो डी वन को डिस्काउंट करके जो वैल्यू अराइव होती है वो जीरो पॉइंट की होती है सिमिलरली ऊपर भी था डी वन को डिस्काउंट करके जो वैल्यू अराइव होती है वो एक साल पहले की जीरो पॉइंट की होती है चलो सर ये भी ऑब्जर्व है ये, ये भी क्लियर हुआ कि ग्रोथ रेट डी वन से डी इन्फिनिटी तक की होती है राइट और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, देखो, देखो। आपको पता है मुझे अपने नोट्स क्यों पसंद है एक बात ऑफ द ट्रैक और इसमें मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, नहीं, कर रहा रहा आई ना मेरी तारीफ है ना अपना प्रमोशन है सिर्फ आपके कन्वीनियंस को रियलाइज करा रहा हूं मैं ये बातें अगर लिखी नहीं होती तो हम कभी क्लास में खुद से लिख पाते इतना सारा कंटेंट एक फास्ट ट्रैक में नहीं और इसकी जगह और सारे पूरे नोट्स लिखे हुए होते यार मैं एक बात बताऊं अगर ये पूरी लाइन पहले से लिखी होती ना तो आपको इस लाइन का कभी रेलेवेंस ही नहीं पता चलता बात लिख के ले लो अगर ये लाइन अगर ग्रोथ ग्रोथ एक्सप्लेन किया रहता सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ डिवरेंट फ्रॉम डी वन टू डी कभी इसका ही नहीं पता चलता जब आप इसको खुद अपने इंपॉर्टेंस दे के लिखते हो ना तो वो चीज दिमाग में बैठती है वुड यू अग्री टू इट और नॉट अग्री टू इट अपने अपना जेन्यून जेन्युन फीलिंग बोलना वुड यू अग्री टू इट और नॉट अग्री टू इट इंपॉर्टेंस ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड नोट्स सेमी स्ट्रक्चर्ड नोट कॉन्सेप्ट लिखे हैं कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन लिखेंगे दिस इज वॉट इट इज कलर्ड पेन लेकर बैठना ये शायद फर्स्ट लेक्चर में बोलना भूल गया था कलर्ड पेन लेके बैठना राइट राइट ठीक है मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया चलने दो लग नहीं रहा यार अपनी क्लास को अभी दो ही घंटे हुए ऐसा लग रहा है कि हमें क्लास ज्यादा ले लेनी चाहिए पर लालच में मत आना अभी नहीं लेने वाला हूं आई एम नॉट केपेबल इनफ टू डू टू टेक दैट मच बट मेरा पूरा मन वेट टाइम हम इसको थ्री आवर्स करेंगे पक्का गारंटी ऑल राइट right, चलिए चलिए सर ये फंडा अपना क्लियर हो गया अब सबसे अच्छा फंडा एक यहां पे बताता हूँ सर सर दिस इज जीरो ईयर दिस इज वन ईयर सेकेंड ईयर और राइट जीरो ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सर जीरो ईयर में जीरो ईयर में मेरा ईपीएस था रुपीज हंड्रेड है ना प्लीज uh, अपने अपने कैलसी की ताकत दिखाइए और बताइए कि टेन परसेंट की, की ग्रोथ के साथ खैर इसमें तो कैलसी की ताकत नहीं लगी कि अपने अपने दिमाग की ताकत दिखाइए टेन परसेंट की ग्रोथ के साथ फर्स्ट ईयर का ईपीएस क्या हो जाएगा रुपीज हंड्रेड एंड टेन और फर्दर टेन परसेंट की ग्रोथ के साथ ईपीएस क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी वन सो दिस इज द डेटा ऑफ ईपीएस अब ईपीएस में ईपीएस में अगर मैं पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई कर दूं पीपल इन द क्लास अगर मैं ईपीएस में मैं पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है ईपीएस में अगर तो फॉर एग्जांपल मेरा जीरो ईयर जो जस्ट अभी हुआ जीरो ईयर जो जरा जस्ट अभी कंप्लीट हुआ उस जीरो ईयर में जो हंड्रेड रुपीज का ईपीएस था उसमें से फिफ्टी परसेंट मेरा पे आउट रेशियो मतलब फिफ्टी परसेंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लीज दिल खोल के बोलिए क्या आएगा डीपीएस क्या आ जाएगा डीपीएस जो कितना आएगा कितना आएगा रुपीस फिफ्टी ऑल राइट चलिए ठीक है सर, सेकेंड ईयर का भी मेरा पे आउट रेशियो सेकेंड ईयर का भी मेरा पे आउट रेशियो अगर फिफ्टी परसेंट है तो सेकेंड ईयर का भी मेरा पे आउट 50 फिफ्टी परसेंट है तो डीपीएस बोलना जरा कितना आएगा डीपीएस बोलना जरा कितना आएगा बोलो 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 55 ठीक है सर ठीक है अगर सेकंड ईयर का पे आउट भी 50 परसेंट है तो डी 55। थर्ड सिचुएशन थर्ड ईयर के एंड में क्या हुआ सर थर्ड ईयर के एंड में क्या हुआ मेरा पे आउट रेशो चेंज होके मेरा पे आउट रेशो चेंज होके 60 परसेंट हो गया मेरा पे आउट रेशो चेंज होके 60 परसेंट हो गया थर्ड ईयर का डीपीएस बोलना सर 121 ट्वेंटी मतलब सेवेंटी सेवन टू टू सिक्स सेवन अरे फोर्टी अरे निश्चल डीपीएस बताना है रिटेन अर्निंग नहीं बताना है सेवनटी टू पॉइंट सिक्स इज द अमाउंट ऑफ डीपीएस नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर जी ध्यान से ऑब्जर्व करना और प्लीज बताना ध्यान से ऑब्जर्व करना और प्लीज बताना प्लीज बताइए प्लीज बताइए ग्रोथ इन डिवेरेंट इन द फर्स्ट ईयर इज हाउ मच ग्रोथ इन डिवेरेंट इन द फर्स्ट ईयर इज हाउ मच कैलकुलेट करते ना सर 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 55 50 डिवाइडेड बाय 50 इज हाउ यू कैलकुलेट द ग्रोथ 50 का नंबर 55 हो गया मतलब कितने परसेंट से ग्रो किया सर 10% परसेंट से ग्रो किया हाउ मच इज द ग्रोथ इन द सेकेंड ईयर हाउ मच इज द ग्रोथ इन द सेकेंड ईयर बोलो 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 हाउ मच यही तो पॉइंट मेरा फेवरेट है जो मुझे समझाने में सबसे मजा आता है सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स माइनस फिफ्टी फाइव डिवाइडेड बाय फिफ्टी फाइव ग्रोथ इन द सेकेंड ईन द्लास इज थर्टी टू परसेंट ओ माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग ग्रोथ पीपल इन द क्लास फॉर द सेकेंड ईयर इज थर्टी परसेंट आपको पंद्रह सेकेंड का टाइम दे रहा हूं नोटिंग करो फिर दिमाग चलाना चालू करेंगे आई डोंट वॉन्ट योर हैंड्स एंड द ब्रेन्स टू वर्क टुगेदर करो एक बार फटाफट कंप्लीट करो फिर दिमाग लगाना चालू करते हैं नोटेड तो आप दिमाग लगाना चालू करो सर कंक्लूजन यह है कि प्लीज आपने ऑब्जर्व किया कि पहले साल की ईपीएस की ग्रोथ 10% परसेंट दूसरे साल की भी ईपीएस की ग्रोथ 10% परसेंट लेकिन लेकिन जीरो पे और के एंड पे, देखो प्लीज समझना ग्रोथ एक पीरियड की होती है ग्रोथ जीरो से वन या वन से टू का रास्ता है मतलब ग्रोथ में दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है ग्रो किया है कैसे पता चलेगा आपने आपकी लाइफ में ग्रो किया कैसे पता चलेगा आप खुद को कल देखोगे कल आप कहां थे और आज आप कहाँ हो उससे पता चलता है ग्रो कैसे किया राइट मतलब मतलब ग्रोथ हमेशा दो इयर्स के डेटा को कंपेयर करके आती है तो सर उन्हीं दो सालों का जब पे आउट मैंने देखा तो पेआउट सेम था 100 का भी 50 परसेंट और 110 का भी 50 परसेंट पे आउट रेशियो मतलब जिस रेट से अर्निंग्स ने ग्रो किया उसके 50 50 परसेंट कर दिए तो उसी रेट से डिविडेंड ने भी ग्रो कर लिया लेकिन लेकिन सर 110 का 50 परसेंट डिस्ट्रीब्यूट किया अब एपीएस सर बड़ा 10 परसेंट हंड्रेड से 10 परसेंट बड़ा तो 121 हुआ लेकिन ऑब्जर्व तो करो कि 120 का 50 नहीं 60 परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब आर यू रियलाइजिंग ये नंबर तो बहुत बड़ा होकर आना ही है पहली बात तो 10 परसेंट यहां बढ़ गया और टेन का भी सिक्सटी ले लिया तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली जब ये वाले साल की डिविडेंड की ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम एज द ग्रोथ ऑफ ईपीएस जब पे आउट चेंज होता है दो सालों के दौरान दो सालों के दौरान जब पे आउट चेंज होगा तो उनके बीच की ग्रोथ उनके बीच की डिविडेंड की ग्रोथ ईपीएस की ग्रोथ के बराबर नहीं होगी यहां है यहां नहीं है इज इट इज इट पीपल इन द क्लास हंड्रेड परसेंट क्लियर द कॉन्सेप्ट टू यू रिक्वेस्टिंग योर रिस्पॉन्स क्या लिखा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड पहला कॉन्सेप्ट तो यहां सीख लो इफ पे आउट रेशियो इज सेम ग्रोथ इन ईपीएस इज ग्रोथ इन डीपीएस इफ पे आउट रेशो इज नॉट सेम द टू ग्रोथ विल नॉट बी इक्वल कॉन्सेप्ट यहां खत्म हो गया लेकिन सर हमें क्या अब्यूम करना है हमें क्या अज्यूम करना है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड हमें ईपीएस और डीपीएस की ग्रोथ सेम अज्यूम करनी है अगर पेआउउट रेशियो चेंज हो रहा हो तभी हमें कुछ ऐसा उल्टा सोचना है अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी माई नॉर्मल अजम्पन दिस कॉन्सेप्ट हैज दिस कॉन्सेप्ट गिवन यू हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी एवरी वन प्लीज बता दीजिए प्लीज 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 दिस वॉज दिस वॉज वन ऑफ द फेवरेट थिंग आई एम टीचिंग नाउ क्योंकि इसका फ्यूचर एप्लीकेशन मुझे पता है कि जब वो कॉन्सेप्ट आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये बात सीखी थी और आज यहां अप्लाई हो रही और अब इस, इस तरीके से करो बोलो यार अगर रात की नौ बजे भी जहां दो घंटे की क्लास खत्म हुए ऊपर एक मिनट हो चुका है अगर आप में एनर्जीज है तो यार फिर सल्यूट है आपको फिर सल्यूट है, है क्या एनर्जीज पीपल बोलो 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 कि नहीं खत्म खत्म या फिर है एनर्जीज एनर्जीज है <laughs> एनर्जी का इश्यू नहीं सर, का है सर भूख का इश्यू है राइट सर आई एम इन क्लास मैं आई कॉल यू बैक इन फाइव मिनट्स, या या, बाय सर चलिए ग्रेट सुपर ग्रेट एवरीवन, तो अब मेरी बात सुनो इसके साथ आपने काफी अच्छे लेवल पे क्लैरिटी ले ली अबाउट द कॉन्सेप्ट अब हमें क्या करना है इनके करना है क्वेश्चन आज से नहीं करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कल से एम आई क्लियर पीपल इन फैक्ट टू बी फ्रेंक टू बी फ्रेंक बताऊं टू बी फ्रेंक फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन इतने ईजी है कि वैसे भी मैं होमवर्क देने वाला हूं राइट बट right? आज से क्वेश्चन मत लो सेटल हो जाओ कॉन्सेप्ट रिविजिट कर लेना राइट right? एक काम करूंगा फॉर योर रिविजन्स मैं थर्टीन पेजेस के नोट्स आज टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा ऑल राइट डन सो ग्रेट इफ दैट इज ऑल कैन वी प्लीज एवरी ऑन कॉल इट टे बताइए मोहित हाय अर्चना अभी आपको वेग लगेगा वो माइन्यूट डिफरेंस एक रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच का है क्यों दूसरों को क्लियर लग रहा है क्योंकि दूसरे ये सब जान के बैठे हैं ना और अब उनको क्लैरिटी मिल रही है तो उनके लिए रिलेटिवलिटी है अच्छा ना फर्स्ट टाइम एस एफ एम डूअर हो क्या जहां पे आप बोल रहे हो कॉन्सेप्ट इज क्लियर बट वेग ओ माई गॉड चलिए एवरी वन विद दैट कैन वी प्लीज से बाय बाय टू ईच अदर अर्चन आप फर्स्ट टाइम एस एफ एम डूअर हो ना इसलिए आपके आपके लिए क्या होगा टू मच ऑफ कॉन्टेंट टू हैंडल एट अ पॉइंट आप समझ रहे हो पिछले दो घंटे से आपके ब्रेन को सिर्फ एक्सरसाइज करा रहा हूं मैं वर्कआउट वर्कआउट वार्म अप भी नहीं कंप्लीट वर्कआउट आपको एफर्ट्स तो लगेंगे है ना ये बात मान के चलो आप और पता है क्या आप सोचो जो लोग रेगुलर पढ़ के आ रहे हैं उनको अगर यहां क्लैरिटी मिल रहा है तो आप तो सीधे वहां जंप कर रहे हो आप दो स्टेप लंबा खेल रहे हो पहला तो आपने रेगुलर नहीं पढ़ा फास्ट ट्रैक पढ़ रहे हो और फास्ट ट्रैक भी वो जिसमें क्लैरिटी एकदम रेगुलर से ज्यादा हो रहा है आपका तो वहां मेहनत है ठीक है अभी से बता रहा हूं मोहित ऑफिस की वजह से नहीं आ पा रहे हो अरे यार हां ठीक है <laughs> क्या बोल रहे हो मोहित लोड लेने का नहीं है ना आपका ऑफिस से लीव कब हो रहा है तब से आप लाइव आ जाना जब तक ये उसमें चलने दो जब तक रिकॉर्डेड एवरी डे देखो विदाउट मिसिंग इट इन द डिसिप्लिन है ना चलिए अरे जा क्यों नहीं रहे यार नौ बज के आप लोग जाओगे फिर तो मैं जाऊंगा पीपल इन द क्लास से बाय बाय थैंक यू सो मच गुड नाइट अपना अपने ध्यान रखिए खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए कल वापस मिलेंगे सेम टाइम पे सेवन टू नाइन इज दैट फाइन एवरी जाओ अब बाय बाय टेक केयर शुभ रात्रि ठीक है स्माइल करते हुए जाइए ओके ऑल राइट एवरी टेक केयर फाइनली मुझे आप लोगों से छुटकारा मिलता है हाँ हाँ खत्म खत्म जितेंद्र क्लास खत्म मोहित कुछ और भी इश्यू तो आप व्हाट्सअप कर देना ठीक है चलिए ओ भाई साहब जाइए और हमें जाने दीजिए ठीक है टेक केयर बाय बाय अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप इन क्लासेस को अटेंड कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और मेरे पास पैसा ही पैसा कर दीजिए ठीक है चलिए जोक्स अपार्ट एवरीवन टेक केयर बाय I'm literally calling it a day now ending the lecture. Okay, bye people.